ओके बिफोर द ब्रेक हम लोगों ने खत्म किया टोटल दो कॉन्सेप्ट, वन इज कोबिट एंड सेकंड इज रिस्क मैनेजमेंट. थर्ड इज वन ऑफ द बिगेस्ट मेजर कॉन्सेप्ट फॉर यू, ओके, देन दैट इज गवर्नेंस. एक बार गवर्नेंस खत्म हुआ और केएमपी खत्म हो गया, फिर काम खत्म है अपना चैप्टर वन का, क्योंकि केजीपी एंड लास्ट जीआरसी, जीआरसी में वैसे भी एक पॉइंट है और केजीपी में तीन पॉइंट है दो, लेकिन तीनों के आंसर इजी है, मतलब इट विल नॉट टेक टाइम एज सच. अपना गवर्नेंस इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न, ओके, देन गवर्नेंस इज 101% एलडीआर, मतलब 101%. अब यहाँ पर आठ क्वेश्चन के लिस्ट है, आठ में से दो एक क्वेश्चन है जहां पर आप रिस्क ले सकते हो, यानी दो क्वेश्चन है जो मतलब जस्ट ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग होगा, वॉट एवर पर्पज, आई डोंट नो वॉट इज द मेन ऑब्जेक्टिव पुटिंग दैट क्वेश्चन इन अवर सिलेबस, बट दैट इज वॉट सिलेबस इज कवरिंग. एंड सिक्स क्वेश्चन आर थोड इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो एक बार एवरीबडी ऑन द स्क्रीन फॉर गवर्नेंस का एरिया इन अवर सिलेबस. ओके, सबसे पहले कोविड में आपने देखा हुआ चार क्वेश्चन, फिर रिस्क मैनेजमेंट में चार क्वेश्चन, अब गवर्नेंस में आठ क्वेश्चन की लिस्ट. सबसे पहला गवर्नेंस एरिया में सबसे पहला क्वेश्चन है मालिक डायमेंशन, ये अपना ऑलरेडी हो चुका है, अपनी मर्जी जबरदस्ती, याद आया क्या मालिक, अपनी मर्जी जबरदस्ती. हाउ मेनी डायमेंशन आर देयर फॉर गवर्नेंस, टू, परफॉर्मेंस एंड कन्फॉर्मेंस. ओके, इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन आईटी, इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन आईटी एज पर योर बिजनेस रिक्वायरमेंट, परफॉर्मेंस. इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन आईटी एज पर कंप्लायंस, दैट इज कॉल्ड कन्फॉर्मेंस. तो परफॉर्मेंस और कन्फर्मेंस, ये दो कॉन्सेप्ट आपके लिए आ जाते हैं व्हेन वी आर फोकसिंग ऑन डायमेंशंस. दूसरा सिनेरियो डायमेंशन का, तो ये पॉइंट हुआ. दूसरा सिनेरियो व्हेन आई एम डिस्कसिंग विद दिस पॉइंट, ओके, दूसरा कॉन्सेप्ट जो आता है वो अपने लिए आता है आईटी गवर्नेंस, जीआईटी एंड गवर्नेंस. देख लो तीन क्वेश्चन स्क्रीन पे, आईटी गवर्नेंस, जीआईटी एंड गवर्नेंस. ओके, ये तीन क्वेश्चन आपके लिए अलग अलग है, तीनों क्वेश्चन का लॉजिक एकदम क्लियर है. बेनिफिट्स ऑफ आईटी गवर्नेंस, बेनिफिट्स ऑफ दिस एंड बेनिफिट्स ऑफ दिस, यानी दिस आर द थ्री क्वेश्चन कंटिन्यूअसली, बेनिफिट्स, बेनिफिट्स, बेनिफिट्स. मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन 3/5 है, ये क्वेश्चन 1/5 है, ये क्वेश्चन 1/5 है, यानी स्क्रीन पे मालूम पड़ रहा है 5/5 है, ये तीनों क्वेश्चन मिल गए. ये तीन क्वेश्चन तीन बार आया, ये नवंबर 14, नवंबर 15, नवंबर 16. मैंने बताया था आपको प्रेडिक्टेबल इजीली है, ये आया मई 15 और ये आया मई 16, यानी मई के लिए एलडीआर रेदर देन आईटी गवर्नेंस इज दो गवर्नेंस और जीआईटी, चार पूरे पूरे प्रेडिक्टेबल हो गए ये पॉइंट. और ये नहीं आया तो इसका मतलब चैप्टर वन कुछ हुआ ही नहीं फिर, क्योंकि चैप्टर वन इज थ्री गवर्नेंस एंड द थ्री गवर्नेंस इंक्लूड थ्री गवर्नेंस, बात खत्म. इन तीनों में से एक तो प्रेडिक्टेबल, मैंने इसलिए बोला था चैप्टर वन का एक हाथ क्वेश्चन तो आराम से प्रेडिक्टेबल है, मतलब वो भी 100% प्रोबेबिलिटी नहीं. ओके, ये होने के बाद सीओआईसी, सीओआईसी का फुल फॉर्म कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल. ओके, ये एक बार गया हुआ है अपने सिलेबस में, 1/5 है, नवंबर में आया हुआ है. डायमेंशन ये 0/5 है, ये 1 नवंबर 14 में आया था. इसके बाद बचा है अपना आईटी स्टीयरिंग कमिटी, फिर रिमेंबर फर्स्ट डे डिस्कस किया स्टीयरिंग कमिटी कौन है. अब यहां पर फॉर्मल आंसर पढ़ेंगे, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आईटी स्टीयरिंग कमिटी, ये येट टू कम इन एग्जामिनेशन है, 0/5. आगे वाला है कैटेगरीज ऑफ आईटी स्ट्रेटजी प्लानिंग, मुझे आईटी की स्ट्रेटजी प्लानिंग बनानी है तो मुझे क्या क्या चाहिए मेरे को बताओ. आईटी ऑब्जेक्टिव शुड अलाइन विद बिजनेस ना, तो मेरे को आईटी स्ट्रेटजी प्लानिंग बनाना है तो मुझे बिजनेस का प्लान चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए. ओके, उसके बाद आईटी का एंटरप्राइज प्लान चाहिए, फिर आईटी का फैसिलिटी प्लान चाहिए, फिर आईटी का ऑपरेशन प्लान चाहिए, ये सारी चीज है. चार कैटेगरीज ऑफ आईटी स्ट्रेटजिक प्लानिंग है, येट टू कम इन एग्जामिनेशन, बट ठीक है जैसा भी पॉइंट है. एंड लास्ट इज इवैल्यूएटिंग आईटी गवर्नेंस स्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिसेस बाय इंटरनल ऑडिटर. आईटी गवर्नेंस का स्ट्रक्चर और प्रैक्टिसेस कैसा है, ओके, ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, वो अपने को देखना है. अब मेरे को बताओ, व्हेन यू शुड इन्वेस्ट इन आईटी, व्हेन इज रिक्वायर्ड बाय बिजनेस, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड व्हाट, आईटी गवर्नेंस, एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू इवैल्यूएट. यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू इवैल्यूएट आईटी गवर्नेंस, यू आर रिक्वायर्ड टू इवैल्यूएट आईटी गवर्नेंस स्ट्रक्चर. तो यू टेल मी, ओके, यू नीड टू इन्वेस्ट इन आईटी व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय बिजनेस, हु विल टेक केयर दिस. अरे भाई मेरे मेरे बाप, ओके, इन्वेस्ट इन आईटी व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय बिजनेस, एवरीबॉडी एग्री ना, हु विल टेक केयर ऑफ दिस, स्टीयरिंग कमिटी. तो इवैल्यूएटिंग स्टीयरिंग कमिटी, दैट इज अ क्वेश्चन, मुझे स्टीयरिंग कमिटी इवैल्यूएट करनी है. स्टीयरिंग कमिटी बनाई है तुमने, बनाने के बाद उन्होंने अपना काम बराबर किया है कि नहीं, ये स्ट्रक्चर इवैल्यूएट करना है इंटरनल ऑडिटर के हिसाब से, दैट इज योर पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एंड दैट्स व्हाट योर कंटेंट इज. मालिक एवरीबॉडी क्लियर? एंड इसके बाद अपन आएंगे केएमपी में, की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, जिसमें अपने चार क्वेश्चन होंगे, जो चार क्वेश्चन का लॉजिक अपन देखेंगे. मालिक एवरीबॉडी क्लियर? एंड वंस दैट इज ओवर, अपने लिए चैप्टर वन का लॉट ओवर है. पक्का क्लियर है मालिक? अपडेट माधव, पहले चार बना लो फिर चलो करते हैं.
गवर्नेंस एरिया में टोटल 8 पॉइंट. पहला पॉइंट डायमेंशन, दूसरा पॉइंट आईटी गवर्नेंस, डायमेंशन आईटी गवर्नेंस, जीआईटी गवर्नेंस, उसके बाद है सीओआईसी, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल. कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल components of internal control, फिर है IT steering committee, इसका द categories of IT strategy plan, planning, IT है IS नहीं है, IT strategic planning, strategy planning, and last is evaluating the IT governance structure and practices by internal auditor, ये भी 0/5 है. यानी आपका प्रेडिक्शन कितना आसान हो सकता है ये पार्ट में, आप ये समझिए. डन मालिक, चालू करें. ओके, सबसे पहला क्वेश्चन, डायमेंशन ऑफ गवर्नेंस, डायमेंशन गवर्नेंस, डायमेंशन गवर्नेंस, डायमेंशन you tell me how many dimensions are there. Two. What are the two dimensions? Performance and conformance. Sun lijiye fir answer update kar dijiye. Answer aasan hai, chota sa point hai, yet to come in examination. Mere hisab se ye ek ldr rakh sakte ho aap as a short note ka part. Short note aa sakta bhai. Okay, char mark ke liye do do point ke, do do mark ke liye hai content bhai, good enough and good candidate. Matlab mere ko abhi tak samajh mein nahi aaya, abhi tak pucha kyun nahi hai log ne ye question. Ye hai bahut conceptual question hai aur bahut critical question hai. Okay sir, if I invest in IT, when it is required by business, it is performance or conformance? If I am investing in IT, when is required by business? Performance. If I am investing in IT because of certain compliance? Conformance. Okay, where I require to give the returns to the shareholders? Performance. Where I need to tell them this is required to be done only because to sustain in business? Conformance. Which is a historic approach? Conformance. Which is proactive approach? Performance. Which is business governance dimension? Performance. Which is corporate governance dimension? Conformance. Clause 49 listing agreement compliance. Okay, so which is taken care by management? Performance. Governing body? Performance. Which is taken care by audit committee? Conformance. Inko dhyan rakhna hoga. SEBI se compliance karna hai? Conformance. Clause 49 comply karna hai? Conformance. Business ki demand aayi, demand ko fulfill karne ke liye apne invest kiya? Performance. KPI, key performance indicator? Performance. कंफर्मेंस में केपीआई थोड़ा रहेगा यार, वो परफॉर्मेंस थोड़ा है मेरा. तो केपीआई, वी रिक्वायर केपीआई टू इवैल्यूएट दिस पॉइंट. दिस इज योर टू पॉइंट टू रिमेंबर. मेरे ख्याल से आंसर समझा मालिक. हाउ मेनी डायमेंशंस आर देयर फॉर गवर्नेंस? टू. नाम परफॉर्मेंस, कंफर्मेंस. परफॉर्मेंस, अरे बैठा कि नहीं भेजे मैं मालिक, अपडेट मार दो. फर्स्ट पॉइंट परफॉर्मेंस,
dash. This approach is proactive. This dimension likhna, this approach mat likhna. This dimension is proactive in its approach. This dimension is proactive in its approach. Dot. It is business oriented and is also called business governance dimension. It is business oriented and is also called business governance dimension. Business governance dimension. Dot. This dimension focuses on strategy and value creation. This dimension focuses on strategy. Strategy मुझे कैसी चाहिए? Expansion करना है, retrenchment करना है, stability है, ये point. This dimension focuses on strategy and value creation. And value creation. With the objective of helping value creation, with the objective of helping board, with the objective of helping board to make strategic decisions, to make strategic decisions to make strategic decisions, comma, understand risk appetite. To make strategic decision, comma, understand risk appetite and KPI, key performance indicator. Value creation with the objective of helping board to make strategic decisions, comma, understand risk appetite and KPI, key performance indicator. Dot. Who take care of this dimension? ऑडिट कमेटी. ऑडिट कमेटी को क्या करना है इसमें? मैनेजमेंट. मैनेजमेंट मैनेजमेंट एंड समटाइम्स बोर्ड. मैनेजमेंट एंड समटाइम्स बोर्ड टेक केयर ऑफ सच डायमेंशन. Take care of such dimension. All clear? Second, conformance. Dash. ये कौन सा view होगा? Proactive या historic? Historic. क्योंकि ये all together चल रहा है, सालों से चल रहा है, compliance है. Dash. It is. Sorry, is निकालो. हाँ, provide. It provides. It provides historic view and focus on regulatory requirement. It provides historic view and focus on regulatory requirement. Dot. It require investment as per compliance requirement. It require investment as per compliance requirement. It require investment as per compliance requirement. Dot. Regulatory requirement and standards. Regulatory requirement and standards generally address this dimension. Generally address this dimension. Regulatory requirement and standards generally address this dimension. Dot. Such dimension is subject to assurance on audit. Such dimension is subject to assurance and audit.
मालिक क्लियर एवरीबडी परफेक्ट डॉट ओके ये कौन ध्यान रखेगा हाँ स्टीयरिंग कमिटी किधर ऑडिट कमिटी एंड गवर्निंग बॉडी ऑडिट कमिटी एंड गवर्निंग बॉडी ऑडिट कमिटी एंड गवर्निंग बॉडी एंश्योर एंश्योर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंश्योर गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेरे ख्याल से आंसर समझा थोड़ी सी आंसर है दूसरा आ जाइए दूसरा क्वेश्चन क्या है भारत माता की जय आईटी गवर्नेंस गिव दैट आईटी गवर्नेंस आईटी गवर्नेंस डैश रिफर कॉमन पोल पॉइंट थ्री अरे मैडम खुश मत हो ना आंसर नहीं हुआ है खाली डेफिनेशन हुआ है मैडम किसमें खुश है अरे वहां का सब खत्म हुआ खाली डेफिनेशन लिखा रे बेनिफिट्स तो बाकी है मालिक समझा ना डेफिनेशन उधर गया अपन ने किया था ना फर्स्ट डे तो डेफिनेशन वो किया हुआ है डेफिनेशन अपन ने फॉर्मल लिखा हुआ है अब अपन आते हैं आंसर्स पे नेक्स्ट लाइन बेनिफिट्स ऑफ आईटी गवर्नेंस यूजुअली नवंबर फेवरेट क्वेश्चन है जो नवंबर वाले रहते उनके लिए काम रहता बाकी अदरवाइज मई वालों के लिए मैं बोलता आराम करो मतलब ये कुछ है नहीं मैटर नहीं करेगा लेकिन आपको बताऊं ना सबसे आसान आंसर यही है सारे इसमें मेरे को बताओ व्हाट इज मीनिंग ऑफ आईटी गवर्नेंस अमित व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईटी गवर्नेंस यू डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईटी गवर्नेंस नो यू डोंट नो आईटी गवर्नेंस अरे का मजाक करता तेरे को नहीं मालूम अरे तेरे को मालूम होना चाहिए कैसे नहीं मालूम बेनिफिट्स ऑफ आईटी गवर्नेंस समझ में आया आईटी गवर्नेंस क्या है याद आया व्हाट इज मीनिंग ऑफ आईटी गवर्नेंस इन्वेस्ट इन आईटी व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय बिजनेस डिड यू गॉट दैट पॉइंट ओके नाउ यू हेल्प मी आउट ओके वैल्यू विल बी इंक्रीज और डिक्रीज आईटी का इंक्रीज एंड इज सेटिस्फेक्शन ओके कॉस्ट विल बी ऑप्टिमाइज रिस्क विल बी और भाई क्योंकि आईटी गवर्नेंस है विल इट फोकस ऑन कंप्लायंस भाई ज्यादा दिमाग फुड़ी मत कर कोविड के पॉइंट पड़े सुबह याद है खाली छठा पॉइंट था फ्रेमवर्क विच विल नॉट बी पार्ट ऑफ आईटी गवर्नेंस याद है हमारे एक तो पांच तो ये पर पांच में खत्म नहीं हुआ लेकिन पांच तो तेरे को बेस रेडी है ना यार वही तो पॉइंट है मेरे ख्याल से मालिक समझा गया तो पांच बेनिफिट उधर से ही आए छठा बेनिफिट व्हेन वी डिस्कस पॉइंट ओके आईटी इज एन इनेबलर ये तो आप बोलने की जरूरत नहीं है मुझे छठा बेनिफिट आईटी बिकम्स एन इनेबलर सातवां बेनिफिट व्हेन वी डिस्कस अबाउट आईटी इट इज इंप्रूविंग ट्रांसपेरेंसी इंप्रूविंग ट्रांसपेरेंसी अब ट्रांसपेरेंसी है पूरी इन्वेस्टमेंट की यार तो यहां पर पूरा ट्रांसपेरेंट कॉन्सेप्ट है एंड लॉजिकली व्हेन वी आर ट्रांसपेरेंट व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय बिजनेस यू आर वेरी मच क्लियरली ट्रांसपेरेंट And last point, okay, is IT. If you remember agility, what is agility? Highly responsive. IT, yeah, par most important hai. When we focus on this point, okay, is improve transparency. IT is an enabler. And last point, IT becomes agile. Okay, so what is meaning of agile? Logic is simple. Okay, is highly responsive. Jaisa aaya, invest kiya. Jaisa aaya, invest kiya. Jaisa aaya, invest kiya. These are your eight benefits of IT governance. बात खत्म आठ बेनिफिट्स ऑफ आईटी गवर्नेंस आपके कॉन्सेप्ट खत्म हुए मालिक समझ में आया वन ऑफ द इजीएस्ट आंसर है बेनिफिट्स ऑफ आईटी गवर्नेंस बेनिफिट्स ऑफ जीआईटी बेनिफिट्स ऑफ गवर्नेंस आगे तीनों आंसर सेम लाइन पे सेम कॉन्सेप्ट है खाली इतना होगा स्टेटमेंट ध्यान रखो बस गलती से मैशअप मत करना मालिक पक्का क्लियर है देखो कुछ ना कुछ तो आपके ये ध्यान रखना होगा यार मैं इजी मतलब यहां आपको समझा रहा हूं आईटी गवर्नेंस के बेनिफिट्स ये हुए हैं आपको ये समझना है आईटी गवर्नेंस और जीआईटी जीआईटी सुपर सेट ऑफ आईटी गवर्नेंस तो ये सारे आने वाले हैं लेकिन ये सारे वापस इतना थोड़ा ना लिखेगा वो पैकेज बना के लिखेगा ना तो आगे पैकेज बना के होगा उसका पैकेज बना के गवर्नेंस में आएगा दिस हाउ द थिंग्स विल कवर्ड इन योर सिलेबस मालिक एवरीबडी क्लियर अपडेट मार दो फर्स्ट पॉइंट क्या रे भाई इंक्रीज वैल्यू डिलीवर्ड थ्रू एंटरप्राइज आईटी इंक्रीज वैल्यू डिलीवर्ड थ्रू एंटरप्राइज आईटी सेकेंड पॉइंट क्या रहता है भाई कौन खुश सेकेंड पॉइंट इंक्रीज यूजर सेटिस्फेक्शन विथ आईटी सर्विसेज इधर यूजर लिखा हुआ है
increase user satisfaction with IT services. थर्ड क्या रहेगा मालिक, मिनिमम बेटर कॉस्ट परफॉर्मेंस ऑफ आईटी, बेटर कॉस्ट परफॉर्मेंस ऑफ आईटी। मिटिगेट आईटी रिलेटेड रिस्क, थोड़ा सा वर्डिंग में डिफरेंस आएगा बस और कुछ नहीं है, आंसर तो कंसेप्चुअली पूरा सेम है। मिटिगेट आईटी रिलेटेड रिस्क, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, ओके ऑडिटर है तो क्या देखेगा, कंप्लायंस। नेक्स्ट पॉइंट, इंप्रूव कंप्लायंस, इंप्रूव्ड कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशंस, इंप्रूव्ड कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशंस। इंप्रूव्ड कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशंस, मालिक क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, परफेक्ट, आईटी बिकम्स एन एनेबलर, यानी कॉस्ट सेंटर नहीं अभी वो प्रॉफिट सेंटर है, आईटी बिकम्स एन एनेबलर। नेक्स्ट, पैसा तुमको मालूम पड़ेगा कितना इन्वेस्ट हुआ है, इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी, इंप्रूव्ड ट्रांसपेरेंसी एंड अंडरस्टैंडिंग आईटी कॉन्ट्रीब्यूशन टू बिजनेस, इंप्रूव्ड ट्रांसपेरेंसी एंड अंडरस्टैंडिंग, इंप्रूव्ड ट्रांसपेरेंसी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईटी कॉन्ट्रीब्यूशन, IT's contribution to business. And last point, kya rahega? Agility, improved agility in supporting business needs. Improved agility in supporting business needs. Improved agility in supporting business needs. मालिक क्लियर, अरे हाया ना, वर्ड मार्क कर दो, पहला वैल्यू, दूसरा यूजर सेटिस्फेक्शन, कॉस्ट, रिस्क, कंप्लायंस, इनेबलर, ट्रांसपेरेंसी एंड एजिलिटी। मेरे ख्याल से मालिक पक्का जम गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रे बेटा, बेनिफिट्स ऑफ व्हाट GEIT, चार मार्क के क्वेश्चन है सब, लेकिन तोड़ कंफर्म कंफर्म आता GIT या अगला वाला उसके बाद, ये दोनों में से आपको मुलाकात होती है एक की, मतलब मई आइटम में तो वही आता है, आईटी गवर्नेंस नवंबर वाला ही हेट है। GIT डैश रिफर कॉमन पुल पॉइंट 4, क्या था ये डेफिनेशन, रिफर कॉमन पुल पॉइंट 4। क्वेश्चन क्या होगा इसमें, बेनिफिट्स, बेनिफिट्स ऑफ GEIT, बेनिफिट्स ऑफ GEIT। सर बेनिफिट्स ऑफ GEIT में क्या सीन है, बेनिफिट्स ऑफ GEIT, ओके पांच बेनिफिट्स है। सबसे पहला आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, सर GEIT क्या देगा, अरे भारत माता की जय, क्या देगा फ्रेमवर्क, पहला बेनिफिट वो फ्रेमवर्क देता है रे भाई, इट प्रोवाइड इंटीग्रेटेड अप्रोच एंड फ्रेमवर्क फॉर अचीविंग एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड पॉइंट, मेरे को बताओ GIT विल इंक्लूड IT गवर्नेंस ना, IT ऑब्जेक्टिव्स आर अलाइन विद बिजनेस, बात खत्म, कुछ नहीं आता ना, ये सब में आंसर यही है कॉमन, IT ऑब्जेक्टिव्स आर अलाइन विद बिजनेस। चैप्टर 1 का कोई क्वेश्चन दिखाना, कुछ भी नहीं आता है तेरे को, IT ऑब्जेक्टिव्स अलाइन विद बिजनेस, बात खत्म, एक मार्क तो कंफर्म। ओके तीसरा सिनेरियो, अब मेरे को बताओ इफ आईटी ऑब्जेक्टिव्स आर अलाइन विद बिजनेस, तो आईटी प्रोसेसेस विल बी इफेक्टिव और नॉट इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट, इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट। सर वाज आईटी गवर्नेंस फोकसिंग ऑन कंप्लायंस, यस और नो, तो ये क्यों पीछे रहेगा, तो इट इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन कंप्लायंस, एवरीबडी क्लियर। एंड GEIT गवर्नेंस ऑफ एंटरप्राइज आईटी, ये कौन करता है, इफ यू रिमेंबर फर्स्ट डे का डिस्कशन, सी फ्रेमवर्क कौन फॉलो करेगा, मैनेजमेंट या गवर्निंग बॉडी, फ्रेमवर्क
मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ही करेगा, तो मैनेजमेंट रिपोर्ट किसको करता, यानी जीआईटी किसकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट मीट करता है, गवर्निंग बॉडी की। ओके, तो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ बीओडी आर मेट, बात खत्म, आंसर ओवर। मौलाना मालिक एकदम थोड़ी सी है, बस ध्यान रखना कि मैशअप ना हो, और वो अभी नहीं, अगला क्वेश्चन आने के बाद फिर सब तीनों एक साथ में ध्यान रखना पड़ता है कि भाई इसके 8 पॉइंट, इसके 5 पॉइंट, इसके 6 पॉइंट, पॉइंट याद रखना, 8 5 6 8 5 6। अब जीआईटी आया तो सबसे पहले धीरे दिमाग में फ्रेम बनाना चाहिए। दूसरा पॉइंट आईटी ऑब्जेक्टिव्स, तीसरा पॉइंट इसी लाइन में आईटी प्रोसेसेस आर इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट, वर्ड वही रखना, साले नहीं तो घर की खेती डाल देगा इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, लफड़ा हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं होएगा, वो जस्ट चेक हुआ तो वर्ड नहीं मैच होगा भाई, वो वर्ड नहीं है, एफिशिएंट नहीं है। सर क्यों नहीं है, क्योंकि मेन टारगेट अपना क्या है, इन्वेस्ट इन आईटी व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय बिजनेस, सो इट इज इफेक्टिवनेस, इट इज नॉट एफिशिएंसी, इट इज नॉट सेइंग यू आर इन्वेस्टेड इन टाइम, इट इज सेइंग यू हैव इन्वेस्टेड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, सो इट इज ओनली इफेक्टिव। तो एफिशिएंसी का वर्ड यूज ही मत करो, किसने बोला भाई यार इन्वेस्टमेंट बरोबर टाइम पे ही हुआ है, आगे पीछे हो सकता है। चौथा पॉइंट कंप्लायंस ध्यान रखेगा, और पांचवा रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ बीओडी आर मेट। पक्का क्लियर मालिक? अरे हाँ है ना, अपडेट मालिक, बेनिफिट्स ऑफ जीआईटी। ओके, ये मई 16 में आया था, 4 मार्क के लिए। फर्स्ट पॉइंट, इट प्रोवाइड्स consistent and integrated approach along with framework to align with enterprise governance approach. Dusra, bata rahe? Perfect. Second point, it ensures IT related decisions are made in line. It ensures IT related decisions are made in line with enterprise strategies and objectives. तीसरा, मेरे को बताओ आईटी प्रोसेस अभी कैसे होंगे, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट। सर ये किससे कंफर्म करेगा, क्या कंफर्म करेगा, कंप्लायंस, इट कंफर्म कंप्लायंस विथ लॉ एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। चौथा, इट कंफर्म कंप्लायंस विथ लॉ एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। And किसी रिक्वायरमेंट मीट करता है ये बीओडी। इट एंश्योर्स गवर्न रिक्वायरमेंट्स, इट एंश्योर्स गवर्नेंस रिक्वायरमेंट्स फॉर बोर्ड मेंबर्स आर मेट। इट एंश्योर्स गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर बोर्ड मेंबर्स आर मेट। Governance requirement for board members are met. भेजिए मैं क्या मालिक, भारत माता की जय, समझा? Okay, what mark था इसमें? पहला point, integrated, consistent and framework. तीन word mark करो. Second, align, in line, sorry, in line.
तीसरा सिनारियो इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट, चौथा कंप्लायंस एंड पांचवा बोर्ड। मलिक क्लियर? अरे हाय है ना, तो पहले दोनों क्वेश्चन समझे, तीसरा क्वेश्चन इसी के लॉजिक से आया, बेनिफिट्स 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 बेनिफिट, तीन बेनिफिट के क्वेश्चन किए भारत माता की जय। पहला क्या किया, बेनिफिट्स ऑफ आईटी गवर्नेंस, फिर क्या किया, बेनिफिट्स ऑफ जीआईटी, एंड लास्ट इज बेनिफिट्स ऑफ गवर्नेंस। गिव द हेडिंग, गवर्नेंस, डैश रिफर कॉमन पुल पॉइंट, सिक्स यानी ईडीएम लिखना है इसके मसाले में। इफ रिमेंबर ईडीएम का फुल फॉर्म इवेल्यूट, नहीं इवेल्यूटिंग पूरा, इवेल्यूटिंग ऑप्शंस, सेटिंग डायरेक्शंस एंड मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस। इसका मसाला ये रहेगा, गवर्नेंस मींस इवेल्यूटिंग ऑल द ऑप्शंस, सेटिंग ए डायरेक्शन एंड मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखना गवर्नेंस केस में, गवर्नेंस का पॉइंट। अब बेनिफिट्स ऑफ गवर्नेंस आते हैं, सर बेनिफिट्स ऑफ गवर्नेंस, अब मेरे को बताओ गवर्नेंस 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 ईडीएम कौन करेगा, ईडीएम कौन करेगा, गवर्निंग बॉडी या मैनेजमेंट, ईडीएम कौन करेगा, गवर्निंग बॉडी या मैनेजमेंट, एवरीबॉडी गवर्निंग बॉडी करेगा ना भाई, अरे हाय है ना, तो गवर्निंग बॉडी डज इट फोकस ओनली ऑन आईटी और इट फोकस ऑन आईटी प्लस बिजनेस, तो यहां पर खाली आईटी के हिसाब से नहीं लिखना है। तो चार आपके बिजनेस से जाते हैं और दो आईटी से जाते हैं, तो पहले दो आईटी के खत्म करते हैं। पहला मैंने बोला ना, बस खाली इधर ये होगा क्योंकि गवर्निंग बॉडी है, तो यहां पर एक ही वर्ड डालना होगा, स्ट्रैटेजिकली अलाइन, मालिक समझा, स्ट्रैटेजिकली अलाइन आईटी ऑब्जेक्टिव विथ बिजनेस। एंड सेकेंड पॉइंट यहां पर याद रखना, डिजायरेबल बिहेवियर, डिजायरेबल बिहेवियर ऑफ यूज ऑफ आईटी, डिजायरेबल बिहेवियर ऑफ यूज ऑफ आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डिजायरेबल बिहेवियर यूज हो रहा है, यूज जो हो रहा है ना आईटी का वो डिजायरेबल वे में हो रहा है, यानी लॉजिकली वी आर फोकसिंग ऑन बेस्ड ऑन यूजर रिक्वायरमेंट। तो ये लास्ट दो हुए, तो पहले चार किसके है सर, पहले चार बिजनेस के है सर, पहले चार बिजनेस के क्या है, पहले चार बिजनेस के सबसे पहला, ओके पहला ऑब्जेक्टिव है कि भाई मैनेजमेंट हैज क्लियरली अंडरस्टूड, क्योंकि ये ईडीएम है, ईडी, डी का मतलब क्या था, ई का मतलब क्या था, इवैल्यूएटिंग ऑप्शंस, डी का मतलब सेटिंग डायरेक्शन। अब मेरे को बताओ गवर्निंग बॉडी डायरेक्शन सेट करेगा ना, वो खुद काम करेगा या मैनेजमेंट को बोलेगा, तो गवर्नेंस अगर ईडीएम करता हो तो मेरा सबसे पहला एडवांटेज ये है कि मेरे को ये समझ में आता है मैनेजमेंट हैज अंडरस्टूड क्लियरली देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि उनको डायरेक्शन दिया मैंने, तो मेरे लिए क्या है, ओके मैनेजमेंट हैज क्लियरली अंडरस्टूड, ओके मैनेजमेंट हैज क्लियरली अंडरस्टूड क्या, ओके दैट व्हाट आर द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेटिंग डायरेक्शंस है ना मालिक, तो मैनेजमेंट हैज अंडरस्टूड क्लियरली अंडरस्टूड, ये याद रखो क्लियरली अंडरस्टूड। दूसरा सिनेरियो एकदम कॉन्सेप्ट है, ओके सेकेंड पॉइंट, ओके इट ओवरकम ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इट ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, सब लोग गौर फरमाइए क्योंकि आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा क्या बोल रहा है वो, ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब क्या सर, पहला वाला समझा डायरेक्ट मैनेजमेंट, सेकेंड ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल मैं समझाता हूं, ओके मेरे मैनेजमेंट ये दो मैनेजमेंट है भाई, चिन्मय और अभिषेक, ओके लॉयड गवर्निंग बॉडी है, लॉयड ने बोल दिया भाई रेलवे लाइंस नहीं कोल माइंस, याद आया, कोल माइंस में जाओ इन्वेस्ट करो, ओके बोला 1 करोड़ का बजट दे दिया तुमको, इन्वेस्ट लो ले करो, ये लोग सब सर्वे करके आए, ये दोनों सर्वे करके आए, एक टॉप है एक लोअर है, व्हाटएवर इट मे बी, सर्वे करवे आने के बाद मालूम पड़ा साला 1 करोड़ में कुछ नहीं होने वाला, ओके और 20-25 लाख एक्स्ट्रा चाहिए, अब ये खुद फंड करेंगे या गवर्निंग बॉडी से अप्रूव करना पड़ेगा, तो गवर्निंग बॉडी के पास गए, गवर्निंग बॉडी मेरे को यार 1 करोड़ 20 लाख चाहिए, क्या गवर्निंग बॉडी ये कर सकता है क्या, ओके ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट के पास जो कंस्ट्रेंट हो गए ना वो कौन निकाल सकता है, मेरे ख्याल से समझ आ गया, दैट इज द सेकंड पॉइंट, गवर्निंग बॉडी क्या करेगा, गवर्निंग बॉडी का सबसे गवर्नेंस का फायदा क्या है, अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में गवर्निंग बॉडी है ईडीएम हो रहा है तो मेरा दूसरा फायदा मैनेजमेंट को दिक्कत आई ना ओवरकम होगा, अब इमेजिन करो गवर्निंग बॉडी और मैनेजमेंट आपने अलग अलग किया ही नहीं है, अब मैनेजमेंट को दिक्कत आई तो क्या होगा,
अब समझे, देयर इज नो डिफाइन ओनली हायरार्की यार, इट इज अ बिग डील. एग्जाम्पल आप मेरे ही ले बात ले लो, एटी एकेडमी में थोड़ा गवर्निंग बॉडी है, मैनेजमेंट भी मैं ही हूं, गवर्निंग बॉडी भी मैं ही हूं. अभी अगर मेरे को कुछ लिमिटेशन आते हैं, हु विल ओवरकम? स्टेक होल्डर से जाके थोड़ा बात करूंगा, स्टेक होल्डर वैसे अपन ही है, लेकिन मतलब अगर मैं बात करता हूं किसी ने इन्वेस्ट किया हुआ है. ओके, स्टेक होल्डर को क्या समझेगा बिजनेस के बारे में? मालिक समझ में आया क्या? दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. मेरे ख्याल से मालिक समझा. अरे हाय ना. ओके, थर्ड पॉइंट, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट. ओके, थर्ड पॉइंट इंप्लीमेंटिंग, क्योंकि अब ये पॉइंट होगा, इंप्लीमेंटिंग डिजायर्ड बिजनेस प्रोसेस. इंप्लीमेंटिंग डिजायर्ड बिजनेस प्रोसेस, क्योंकि ई डी एम डायरेक्ट, तो आई एम इंप्लीमेंटिंग माय डिजायर्ड बिजनेस प्रोसेस, जो आपके बिजनेस को चाहिए. एंड क्योंकि ये मॉनिटर करता है तो सबकी फट्टी होगी ना, तो अल्टीमेटली व्हाट इट डज, इट इंप्रूव्स. ये इंप्लीमेंट है, इट इंप्रूव्स क्लाइंट सप्लायर एंड बिजनेस रिलेशनशिप. इट इंप्रूव्स क्लाइंट सप्लायर एंड बिजनेस रिलेशनशिप. दैट्स व्हाट योर कंटेंट टू बी रिमेंबर्ड. मालिक समझ में आया? अरे हाँ या ना, पक्का क्लियर है? अरे हाँ या ना, अरे समझा क्या? तो व्हाट आर द फोर एडवांटेज यू फोकस नीड, गवर्नेंस पे क्या फोकस करना है? चार एडवांटेज, गवर्नेंस में चार एडवांटेज में क्या फोकस करना है? मुझे चार एडवांटेज चाहिए, मुझे क्या क्या चाहिए? सबसे पहला, ओके, सबसे पहले मैनेजमेंट क्लियरली अंडरस्टूड देयर रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज. सेकंड पॉइंट, मैनेजमेंट को दिक्कत आई तो वो ओवरकम कर सकता है, ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब मैनेजमेंट ही ना. तीसरा, आई कैन इंप्लीमेंट माय डिजायर्ड बिजनेस प्रोसेस, जैसा चाहिए आपको वैसा इंप्लीमेंट कर सकते हो. एंड लास्ट, चौथा पॉइंट, इट इंप्रूव क्लाइंट सप्लायर बिजनेस एंड इंटरनल रिलेशनशिप विद इन ऑर्गेनाइजेशन. एंड लास्ट दो पॉइंट आई टी के, इट स्ट्रेटेजिकली अलाइन आई टी ऑब्जेक्टिव विद बिजनेस. एंड लास्ट पॉइंट, ओके, प्रोवाइड डिजायरेबल बिहेवियर फॉर यूज ऑफ आई टी, डिजायरेबल बिहेवियर फॉर यूज ऑफ आई टी. अरे भारत माता की जय, समझा? पक्का? अरे हाय ना. सो वट आर द सिक्स गवर्नेंस के बेनिफिट्स? हाँ, सिक्स गवर्नेंस के बेनिफिट्स. यहाँ पर अपने पहले तीनों क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं. गवर्नेंस के मतलब चार क्वेश्चन हुए, लेकिन लॉजिकली तीन गवर्नेंस के क्वेश्चन खत्म हुए. कौन से मालिक? पहला, वट आर द बेनिफिट्स ऑफ गवर्नेंस? बेनिफिट्स ऑफ गवर्नेंस सबसे पहले मैनेजमेंट अंडरस्टैंड. ओके, सेकंड पॉइंट, ओवरकम द लिमिटेशन. ये दो तो क्लियर बैठ गया. तीसरा, क्योंकि तू डायरेक्ट कर रहा है तो यू आर इंप्लीमेंटिंग. इंप्लीमेंटिंग व्हाट? डिजायर्ड बिजनेस प्रोसेस. एंड चौथा, तू मॉनिटर कर रहा है तो क्या इंप्रूव होगा? इंप्रूव क्या क्या? कस्टमर, सप्लायर्स, बिजनेस पार्टनर्स एंड इंटरनल रिलेशन. एंड लास्ट दो पॉइंट आई टी का, स्ट्रेटेजिकली अलाइन आई टी ऑब्जेक्टिव विद बिजनेस. एंड लास्ट पॉइंट, डिजायरेबल बिहेवियर ऑफ यूज ऑफ आई टी, डिजायरेबल बिहेवियर ऑफ यूज ऑफ आई टी. अरे भेजे में गया. एवरीबडी क्लियर विथ थ्री क्वेश्चन? बेनिफिट्स ऑफ आई टी गवर्नेंस कितने पॉइंट्स? आठ. बेनिफिट्स ऑफ जी आई टी कितने पॉइंट्स? पांच. और बेनिफिट्स ऑफ गवर्नेंस छः. जस्ट रिमेंबर दैट वन, कन्फ्यूज मत करना अपने आपको, बस ये जस्ट ध्यान रखना. देखो आई टी गवर्नेंस बहुत आसान है तो क्लिक करना बहुत मुश्किल नहीं होगा, लेकिन जी आई टी और गवर्नेंस ये दो में ध्यान रखना. और आपके लिए एल डी आर ये दो ही है. क्योंकि दोनों मे के पॉइंट है, तो मे के एलिमेंट है. आई विल नॉट बी सरप्राइज, मतलब ये दोनों में से. और मैं ज्यादा करके खास गवर्नेंस, मेरा क्वेश्चन ये आएगा, आपको क्वेश्चन आएगा बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्राइज गवर्नेंस. तो बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्राइज गवर्नेंस आने की पूरी संभावना है. और बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्राइज गवर्नेंस आया तो वही हाँ गवर्नेंस. मलिक क्लियर? अपडेट मार दो. फर्स्ट पॉइंट, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. फर्स्ट एडवांटेज, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव बाय इंश्योरिंग दैट, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव बाय इंश्योरिंग दैट ईच एलिमेंट ऑफ मिशन एंड स्ट्रैटेजी. Achieving organization objective by ensuring that each element of mission and strategy, each element of mission and strategy are assigned and managed by management. With clear understanding of rights and accountability, assigned and managed by management, with clear understanding. With clear understanding of rights and accountability.
सेकंड, मेरे ख्याल से पहला पॉइंट समझा सबको. सेकंड पॉइंट क्या रहता भाई? ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. 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 थर्ड, जैसा चाहिए वैसा अपन इंप्लीमेंट कर सकते हैं. क्या? बिजनेस प्रोसेस. इंप्लीमेंट डिजायर्ड बिजनेस प्रोसेस. थर्ड, इंप्लीमेंट डिजायर्ड बिजनेस प्रोसेस. इंप्लीमेंट डिजायर्ड बिजनेस प्रोसेस. ठीक है, ये इंप्लीमेंट हो गया. अब परफेक्ट. ओके, इंप्रूव कस्टमर बिजनेस एंड इंटरनल रिलेशनशिप. इंप्रूव कस्टमर बिजनेस एंड इंटरनल रिलेशनशिप एंड सेटिस्फैक्शन. इंप्रूव कस्टमर बिजनेस एंड इंटरनल रिलेशनशिप एंड सेटिस्फैक्शन. Improve customer business and internal relationship and satisfaction. Malik, clear? Next two point abhi IT ke. Okay, perfect. Next point. Enabling effective and strategically aligned. Enabling effective and strategically aligned. Strategically aligned decisions for IT. Strategically aligned decisions for IT. Strategically aligned decisions for IT. Bheje mein gaya Malik? And last point, kya rahega? Perfect. Provider. एक सेकेंड में कट करवा. एनकरेज प्रोवाइड नहीं, एनकरेज डिजायरेबल बिहेवियर इन यूज ऑफ आईटी. एनकरेज डिजायरेबल बिहेवियर इन यूज ऑफ आईटी. वर्ड मार्क कर दो. पहला वर्ड क्या होगा? पहला वर्ड क्या है मालिक? पहला पॉइंट. ओके, याद रखना. क्लियरली अंडरस्टूड. दूसरा पॉइंट लिमिटेशन, ओवरकम लिमिटेशन. तीसरा डिजायर्ड बिजनेस प्रोसेस, पूरा ही है मतलब वो. चौथा इंप्रूव रिलेशनशिप, मतलब पहला वर्ड और आखिरी वर्ड ऐसा. उसके बाद अलाइन एंड डिजायरेबल बिहेवियर, डिजायरेबल यूज. तो मेरे ख्याल से तीनों क्वेश्चन पक्का क्लियर है ड्यूड्स. अरे हाँ या ना, पक्का. ओके, ये हो जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन गवर्नेंस. गवर्नेंस के बाद आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सीओआईसी. पर आपके लिए तीनों में से प्लीज आप ये तीनों को रट जाना, बात खत्म है. ओके, ये तीनों आपके लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट है. तीनों में से आपकी मुलाकात होती ही होती है, ये क्लियर है. मतलब देर इज अनडाउट, मतलब देर इज नो डाउट ओनली एट ऑल. मई 17 को 2:45 से 2:45 के बीच में आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा. 5-1 मिनट जाएगा क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते, थोड़ा इधर उधर देखेगा तू, लेकिन उसके बाद के बाद तेरे को मिल जाएगा 11 या 12 तारीख को, व्हाटएवर इट मे बी 11th or 12th में. बट डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग दिस आइदर ऑफ द क्वेश्चन, दैट फॉर श्योर. Then comes it your COIC. COIC का full form components of internal control. Give the heading components of internal control. भाई मेरे components of internal control है. Okay sir, audit के syllabus में ऐसे 315 में ये है वैसे. सुन लीजिए, 5 components ऑफ इंटरनल कंट्रोल. मेरे को बताइए इंटरनल कंट्रोल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, प्रभु इज ए कंट्रोल, प्रभु होना चाहिए या नहीं होना चाहिए?
होना चाहिए, यानी पॉइंट टू बी नोटेड, यानी कंट्रोल, प्रभु को हम लोग बोलेंगे कंट्रोल एक्टिविटीज, क्या बोलेंगे? कंट्रोल एक्टिविटीज, प्रभु इज अ कंट्रोल एक्टिविटी, माय एक्टिविटी, वन एक्टिविटी, ओके, ये प्रभु एक कंट्रोल एक्टिविटी है, ये मुझे ध्यान में रखना होगा, प्रभु एक कंट्रोल एक्टिविटी है, ये मुझे ध्यान में रखना होगा। अब मेरे को बताओ प्रभु को किधर खड़ा करूं, डोर्स या विंडोज? पक्का क्यों? रिस्क ज्यादा, यानी मेरे को बताओ कंट्रोल एक्टिविटी डालने के पहले मुझे रिस्क देखना जरूरी है कि नहीं है? तो सबसे पहले क्या करें? रिस्क असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट। वापस मेरे को बताओ, फर्स्ट कंपोनेंट रिस्क असेसमेंट, सेकंड कंपोनेंट कंट्रोल एक्टिविटी। मुझे वापस ये दो कंपोनेंट, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज। ओके, आपने बोला सर डोर पे रिस्क ज्यादा है, विंडोज पे रिस्क कम है, इसलिए हम लोग प्रभु को उधर खड़ा करेंगे। आपको ऐसा नहीं लगता पुणे रेलवे स्टेशन में सबसे ज्यादा रिस्क है अनऑथराइज एक्सेस का? कितने जन रोज के रोज अनऑथराइज घुसते होंगे रेलवे स्टेशन में, कितने जन कौन सी ट्रेन में बैठते होंगे? आज कुछ तो है, कितने जन अनऑथराइज एक्सेस होते होंगे? कितने जन अनऑथराइज एक्सेस होते होंगे? होता होगा कि नहीं रेलवे स्टेशन में? मेरे को बताओ बिना टिकट के कितने जन बैठते होंगे? आपको ये नहीं लगता आपकी जिम्मेदारी बनती आप प्रभु को उधर भेजे? आपने बोला रिस्क जिधर ज्यादा उधर प्रभु को डालो। अब मेरे हिसाब से तो रिस्क सबसे ज्यादा था उधर ही है, रेलवे स्टेशन में। हाँ, बिजनेस मतलब मैडम मैं अपने इमोशन को बाजू में रखूं, भारत माता की जय मैं कितनी बार बोलता हूं मैडम, मतलब मेरा देश मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, मेरा बिजनेस मेरे लिए मायने रखता मैडम। मैडम गलत बात है मैडम, इफ यू आर थिंकिंग ऑफ योर बिजनेस एंड यू आर नॉट फॉर योर कंट्री देन बिजनेस शुड अलाइन विद कंट्री मैडम, आईटी शुड अलाइन विद बिजनेस एंड बिजनेस शुड अलाइन विद कंट्री ना, बस कंट्री 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 मैडम, कैसा आप देश के लिए मैडम, आई कंट्री है। हाँ हाँ, रेलवे अथॉरिटी को, अरे वो ठीक है मैडम वो करेगी स्वच्छ भारत अभियान, फिर तुम काम करने दो ना उनको कचरे वाले को, तुम क्यों मेरे को ऐसे फेंका, तो हर एक सरकार के लिए फेंक रहे हो ऐसा क्यों बोलते हो, है ना? फिर वो उनका काम करने दो ना कचरे वालों का, कचरे वाले क्या फिर अपन कर रहे हैं ना स्वच्छ भारत, अपनी जिम्मेदारी नहीं बन रही क्या? लॉजिकल पॉइंट है। हाँ अरे मैडम स्कोप मैं आपको बता रहा हूं, भारत माता की जय, आप यार मेरी कंट्री को मुझसे जुदा कर रहे हो मैडम, आई प्लेज इंडिया इज माय कंट्री हाउ मेनी टाइम्स मैडम, ऐसा नहीं मैडम, लॉयड क्या बोलता तू? ठीक है नो कमेंट्स क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, पुणे स्टेशन भेज दू प्रभु को? ओके, पहले ये समझने की कोशिश करो, तीसरा सिनेरियो जो कॉन्सेप्ट है, यानी रिस्क असेसमेंट करने के पहले मुझे और कुछ करना होगा, एंड दैट इज कॉल्ड कंट्रोल एनवायरमेंट। इट इज नॉट अबाउट बाय बेसिकली माय कंट्री और समथिंग, द लॉजिक इज दैट अगर प्रभु तो जाके बोलेगा टिकट दिखाओ, दो चमाट खा के आएगा है कि नहीं है? क्योंकि इज प्रभु ऑथराइज देयर? नो, लेकिन इधर मांगेगा ओके तुम लोगों को दिखाना पड़ेगा रिसीट। लॉजिकली प्रभु ऑथराइज किधर है? यानी वेयर आई कैन एस्टैब्लिश माय राइट्स, दैट इज माय रिस्पांसिबिलिटी एज अ कंट्री लेवल, डजंट मैटर, बट कैन आई एस्टैब्लिश माय राइट्स देयर? नो, मेरा राइट क्या, वो राइट पे मैं बात करूंगा, उससे ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। मालिक समझ में आया क्या लॉजिक? इसलिए सबसे पहले मुझे क्या देखना चाहिए? कंट्रोल एनवायरमेंट, एंड लॉजिकली कंट्रोल एनवायरमेंट इज इंटरनल एनवायरमेंट रादर देन एक्सटर्नल एनवायरमेंट। जहां पर आप बिजनेस कर रहे हो वो एनवायरमेंट आपका कंट्रोल एनवायरमेंट हो गया, जहां पर वहां पर ही राइट्स एस्टैब्लिश कर सकते हैं ना आप। दूसरा सिनेरियो, वो एनवायरमेंट में आप क्या करोगे? क्या करोगे मालिक? रिस्क असेसमेंट। फिर रिस्क असेस करने के बाद प्रभु को डालोगे कंट्रोल एक्टिविटीज। मुझे वापस चाहिए तीन कंपोनेंट जो आपने डिस्कस किए, व्हाट आर द थ्री कंपोनेंट्स? कंट्रोल एनवायरमेंट, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज। मुझे वापस चाहिए तीन। डिड यू गॉट द कॉन्सेप्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू शुड चेक? कंट्रोल एनवायरमेंट। सेकंड व्हाट यू शुड चेक? Risk assessment. Then what you should implement? Control activities. Now Prabhu will check the receipt. Don't you think I should communicate to you? Because then only you will bring the receipt every day. Unless until next day, okay, bola hi nahi the receipt lane. Hai wo ho sakta hai. Fourth point, fourth element, information and communication. Fourth element, kya rahega Malik? Information and communication. Fourth element, information and communication. Last point, mujhe wahan par roj khada karke dekhna chahiye. Prabhu monitor kar raha hai ki nahi. That matlab Prabhu receipt check kar raha hai ki nahi. Last point, monitoring. What are the five components of internal five components of internal control? Conceptually, तोड मैंने गया है, बहुत easy answer है. What are the five components? First, control environment. Second, risk assessment. Third, control activities. Fourth,
इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड लास्ट पॉइंट आई विल चेक मॉनिटरिंग मुझे और चाहिए वापस फाइव कंपोनेंट्स कंट्रोल एनवायरनमेंट रिस्क असेसमेंट कंट्रोल एक्टिविटीज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग पक्का क्लियर मालिक एवरीबडी अरे हाय अना नवंबर 14 में क्वेश्चन था ये अपडेट मार दीजिए फर्स्ट पॉइंट हेडिंग क्या डाल दी ना आपने कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल फर्स्ट पॉइंट कंट्रोल एनवायरनमेंट कंट्रोल एनवायरनमेंट कंट्रोल एनवायरनमेंट डैश फॉर ईच बिजनेस प्रोसेस For each business process, comma, an organization need to. For each business process, comma, an organization need to develop and maintain control environment. Organization need to develop and maintain control environment, including categorization of. Including categorization of materiality and criticality. Including categorization of materiality and criticality of business process. Materiality and criticality of business process. Second, correct, brother? Risk assessment. Dash. Each business process comes with risk. Each business process comes with risk. Each business process comes with risk. Dot. Control environment. Must include risk assessment. Control environment must include risk assessment. Tisra, control activities. Control activities. Dash. Control activities must be developed to control activities must be developed to break ke pehle jo padha tha wo control activities must be developed to manage comma mitigate and reduce the risk manage mitigate and reduce the risk associated with each business process Risk associated with each business process. Malik, clear? Next point. Kya rahega? Information and communication. Dash. Organization should establish a business process. Organization should establish the business process. Organization should establish the business process to inform and communicate users. And last point, monitoring. monitoring. Dash, internal control process must be continuously monitored. Internal control process must be continuously monitored. Must be continuously monitored.
for taking corrective actions. For taking corrective actions. Am I clear? Okay. So, ye ho gaya aapka question, agla question. So, what are the five components of internal environment? Components of internal control? Control environment, risk assessment, control activities, information communication and monitoring. Mujhe aapko chahiye panch component. Control environment, risk assessment, control activities, information communication and monitoring. Bheje mein gaya Malik? Are hai na? Perfect. Update. Next point. Kya tha next point? IT steering committee. Dash. Refer common bullet point. Refer common rule point 8. Kiske liye refer karna tha? Definition. Refer common rule point 8. Dash. Question update karo. Key functions. Key functions of IT steering committee. Key functions of IT steering committee. Okay. Do do ki jodi hai wapas. Ab isme sab do 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 do. Pehle do. Logically key functions ke concept mein. मेरे को बताओ आईटी के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान बनाने का कौन रिस्पांसिबल रहेगा? स्टीयरिंग कमेटी. ओके, हु विल डू यू थिंक आईटी के शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लान शुड अलाइन विद एंटरप्राइज प्लान? स्टीयरिंग कमेटी. तो स्टीयरिंग कमेटी का पहला पॉइंट याद रखना शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लान. ओके, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लान बट इट शुड अलाइन विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स. ये पहला पॉइंट. दूसरा, ओके, पहले दो याद रखना, पहले दो साथ में. दूसरा, डिफाइन साइज एंड स्कोप ऑफ आईटी फंक्शन. यानी दो पॉइंट क्या है, आईटी फंक्शन के लिए लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लान बनाना और सेकंड साइज और स्कोप आईटी फंक्शन का बताना. मालिक समझा? आईटी फंक्शन का लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लान बनाना और आईटी फंक्शन का क्या बनाना, साइज एंड स्कोप. नेक्स्ट दो पॉइंट आपको मैंने बताया था, हर प्रोजेक्ट आईटी डिपार्टमेंट के कौन अप्रूव करेगा? स्टीयरिंग कमेटी. नेक्स्ट दोनों पॉइंट प्रोजेक्ट के ऊपर है. ओके, रिव्यू एंड अप्रूव आईटी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, आईटी प्रोजेक्ट्स. तो सर चौथा क्या है, मॉनिटर की प्रोजेक्ट्स. तीसरा बोलता है कि भाई यार रिव्यू एंड अप्रूव करो, और चौथा पॉइंट क्या बोलता है, मॉनिटर करो. सारे नहीं, की प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करो. भेजे में गया मालिक? अरे हाय आना. एवरीबडी क्लियर? और इसके बाद नेक्स्ट दो पॉइंट, आईटीपीपी एंड एसपी. याद है क्या आईटीपीपी? ITPP मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स. SP सिक्योरिटी पॉलिसीज. सर दोनों इसमें, ITPP वो बनाएगा नहीं, रिव्यू एंड अप्रूव करेगा. क्या करेगा? रिव्यू एंड अप्रूव. और SP में बनाएगा नहीं, सिक्योरिटी पॉलिसी विल बी इंप्लीमेंट बाय सिक्योरिटी डिपार्टमेंट. तो ये रिव्यू अप्रूव भी नहीं करेगा, फैसिलिटेट इंप्लीमेंटेशन इन सिक्योरिटी पॉलिसी, फैसिलिटेट इंप्लीमेंटेशन इन सिक्योरिटी पॉलिसी. एंड लास्ट दो पॉइंट, ओके, एकदम लॉजिकल पॉइंट है. मेरे को बताओ, ओके, आईटी स्टीयरिंग कमेटी में दो डिपार्टमेंट है ना, कौन से? आईटी स्टीयरिंग कमेटी में दो डिपार्टमेंट है, कौन से कौन से? बिजनेस एंड आईटी. क्या ऐसा हो सकता है बिजनेस और आईटी डिपार्टमेंट में कॉन्फ्लिक्ट हो? वो रिजोल्व कौन करेगा? स्टीयरिंग कमेटी रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बिजनेस एंड आईटी. एंड लास्ट पॉइंट, मेरे को बताओ स्टीयरिंग कमेटी रिपोर्ट किसको करेगा? मैनेजमेंट. अबे खुद ही मैनेजमेंट ही है, गवर्निंग बॉडी. रिपोर्ट टू गवर्निंग बॉडी. बात खत्म, आंसर ओवर. येट टू कम इन एग्जामिनेशन, चांस कैन बी देयर. मैं वापस बता दूं, दो दो की जोड़ी मैंने कैसे बनाई है. पहले दो, ओके, आईटी डिपार्टमेंट के बारे में लिखने का, नेक्स्ट दो प्रोजेक्ट के बारे में लिखने का, नेक्स्ट दो पीपी के बारे में लिखने का, और लास्ट दो, ओके, इंटर डिपार्टमेंट का जो जो पॉइंट है वो लिखने का. पहला, ओके, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्लान बनाना, उसको ट्यून रखना एंटरप्राइज प्लान के साथ. सेकंड, साइज एंड स्कोप बताना. मालिक एवरीबॉडी क्लियर? नेक्स्ट दो, ओके, रिव्यू एंड अप्रूव प्रोजेक्ट्स एंड मॉनिटर की प्रोजेक्ट्स. नेक्स्ट दो,
कौन से रहेंगे आईटीपीपी एंड एसपी एंड नेक्स्ट फोर रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन बिजनेस एंड आईटी एंड लास्ट रिपोर्ट टू बीओडी गवर्निंग बॉडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. मेरे ख्याल से मालिक पक्का क्लियर. मुझे चाहिए 8 की फंक्शंस ऑफ स्टीयरिंग कमेटी. क्या क्या है? लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्लान बनाना आईटी के लिए, ठीक है. सेकंड, साइज एंड स्कोप ऑफ आईटी डिपार्टमेंट, ठीक है. नेक्स्ट दो, प्रोजेक्ट रिव्यू एंड अप्रूव प्रोजेक्ट. और दूसरा, मॉनिटर सारे प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट. नेक्स्ट दो पॉइंट पॉलिसी आईटीबीपी एंड एसपी. नेक्स्ट दो, अपना कुछ प्रॉब्लम हो गया तो रिजॉल्व करो और किसको रिपोर्ट करो. परफेक्ट, पक्का क्लियर है मालिक? अरे हाय ना, अपडेट मार दो. फर्स्ट पॉइंट, टू एंश्योर लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म प्लान्स ऑफ आईटी डिपार्टमेंट. लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लान्स ऑफ आईटी डिपार्टमेंट टू एंश्योर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लान्स ऑफ आईटी डिपार्टमेंट आर इन ट्यून विथ टू एंश्योर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लान ऑफ आईटी डिपार्टमेंट are in tune with enterprise goals and objectives. Enterprise goals and objectives. Second, to establish size and scope of IT function. To establish size and scope of IT function. Teesra aur chautha, to review and approve major IT projects in all their stages. Review and approve major IT projects in all their stages. In all their stages. In all their projects. Malik clear? Next point to exam. To monitor key projects by measuring ROI. Key project by measuring ROI. ROI? Return on investment. Pakka clear? Malik, next point. क्या रहेगा और एक? नेक्स्ट दो पीपी, परफेक्ट. टू रिव्यू एंड अप्रूव आईटीपीपी. टू रिव्यू एंड अप्रूव आईटीपीपी एंड नेक्स्ट पॉइंट, परफेक्ट. टू फैसिलिटेट इंप्लीमेंटेशन ऑफ आईटीएसपी. To facilitate implementation of ITSP. And last point, to resolve the conflicts between business and IT. To resolve the conflicts between business and IT. To resolve the conflicts between business and IT. And last point, to report to BOD. Malik clear? Are hai na? Word mark ka to isme? Sabse pehle. लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्लान, साइज एंड स्कोप. तीसरा, ओके, रिव्यू एंड अप्रूव. उसके बाद मॉनिटर. उसके बाद और दो,
ITPP, SP. Or let's resolve conflicts and BOD. This brings to the second point, second last question of governance. Governance ka second last question. Malik konsa? Categories of IS IT strategy plan. Give the ring, categories of IT strategy plan. Categories of IT strategy plan. Okay. देख लो कैटेगरीज ऑफ आईटी स्ट्रेटजी प्लान. जब मुझे आईटी स्ट्रेटजी प्लान बनाना है तो मुझे चार कैटेगरीज चाहिए, चार टाइप्स ऑफ प्लान चाहिए, तब जाके मेरी आईटी स्ट्रेटजिक प्लानिंग बनेगी. और आईटी स्ट्रेटजिक प्लानिंग कौन बनाएगा? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा मां कसम, स्टीयरिंग कमिटी. ओके, हु विल डेवलप आईटी स्ट्रेटजिक प्लानिंग? स्टीयरिंग कमिटी. एंड दैट स्ट्रेटजिक प्लानिंग शुड बी अलाइन विथ बिजनेस. तो इसीलिए इसमें कैटेगरीज क्या क्या है, यानी ये प्लान के अंदर अगर मैं आईटी स्ट्रेटजी प्लान खोल के देखता हूं तो मुझे ये प्लान के अंदर क्या क्या प्लान मिलते हैं. मुझे सबसे पहले मिलना चाहिए बिजनेस का प्लान, यानी कौन सा? एंटरप्राइज स्ट्रेटेजिक प्लान. क्योंकि जब तक मेरे को एंटरप्राइज स्ट्रेटेजिक प्लान नहीं मालूम पड़ेगा तब तक आगे जाके बेवकूफी होगी. तो सबसे पहले विल अंडरस्टैंड द बिजनेस. एंटरप्राइज स्ट्रेटेजिक प्लान इज अ ओवरऑल प्लान ऑफ एंटरप्राइज. दैट्स इट. मुझे सबसे पहले ये दीजिए मालिक, आपका ओवरऑल कैरेक्टर क्या है, फंक्शन क्या है एंटरप्राइज का, आपका ओवरऑल फंक्शनिंग लेवल किधर है, आपके किस लेवल पे काम कर रहे हो, किस लेवल की इंडस्ट्री हो. ओके, आपका प्राइमरी प्लान क्या है, सेकेंडरी प्लान क्या है, टॉप मैनेजमेंट क्या सोच रहा है, ये मुझे चाहिए. ये होने के बाद मैं वापस बोल रहा हूं, मैं आईटी स्ट्रेटेजिक प्लान के टाइप्स पढ़ रहा हूं उसके अंदर. इसके बाद इसके अंदर मेरा रहेगा आईएएस स्ट्रेटेजिक प्लान. सर आईटी मतलब आईटी, हां, व्हेन आई से आईएएस वी आर डिस्कसिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स. हेल्प मी आउट, आईएएस डज इंक्लूड, इट इंक्लूड कंप्यूटर? Does IS include computer? May or may not be. Okay, if I made a computer, then we are using IT na? I am discussing IT strategic plan. So IT invest karunga, computer pehle invest karunga, par uske pehle mera IS to samajh lu. To dusra scenario hai IS strategic plan. Kaun se system chahiye? Management ke objectives kya hai? Management ke objectives ke saath kaun se system align honge? Software ki baat hi nahi ho rahi abhi second isme. Second isme baat ho rahi hai IS ki. अब ये ध्यान रखिए, यानी भाई यहां पर क्या रहेगा, मेरे को टेक्नोलॉजी मार्केट देखना होगा, क्योंकि सिस्टम्स मेरे को कौन से चाहिए उसके हिसाब से मेरे को देखना होगा ना. मार्केट में एडवांसमेंट कितना है, टेक्नोलॉजी मार्केट कैसा चल रहा है. मैं अभी इन्वेस्ट नहीं किया हूं, मैं सब देख रहा हूं, एनालाइज कर रहा हूं. इट इज नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग द एनवायरमेंट ताकि मैं स्ट्रेटेजिकली डिसीजन ले सकूं. ओके, टेक्नोलॉजी मार्केट में भाई मेरी बिजनेस स्ट्रेटजी को सपोर्ट करने के लिए क्या क्या सोल्यूशन अवेलेबल है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या पोजिशन है अपनी, क्या हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या. ये हो गया आईएएस स्ट्रेटजिक प्लान. आईएएस स्ट्रेटजिक प्लान समझने के बाद अब हम लोग बोलेंगे ठीक है, अब हम लोग को समझ में आ गया कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, लेट्स इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी. आईएएस रिक्वायरमेंट प्लान. सेकंड में मैंने पूरा मार्केट का एनालिसिस किया स्ट्रेटजिक लेवल पे, ये है. एग्जांपल ईआरपी अवेलेबल है, सीबीएस अवेलेबल है, टीपीएस अवेलेबल है, एमआईएस अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर कौन से अवेलेबल है, क्या अवेलेबल है, टेक्नोलॉजी मार्केट कैसा है, किसमें अपडेट ज्यादा हो रहा है, किसमें मेंटेनेंस ज्यादा है. मैंने ये करने के बाद मैंने अपनी रिक्वायरमेंट पता की और मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट बताई. और रिक्वायरमेंट बताई तो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, अगर रिक्वायरमेंट आया तो तुम एसडीएलसी फॉलो करोगे. यहां पर मेरा क्या होगा, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आई नीड टू फॉलो, आई नीड टू फोकस ऑन व्हाट टाइम व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, कितने टाइम शेड्यूल में बनना चाहिए, एक्विजिशन करना है, डेवलपमेंट करना है, फैसिलिटीज कौन सी है, ये सब कुछ रहेगा. ओनरशिप किसका होगा रिक्वायरमेंट में, ओनरशिप क्या रहेगा, दैट इज योर रिक्वायरमेंट प्लान. ये मेरी रिक्वायरमेंट है. एंड लास्ट पॉइंट, ये रिक्वायरमेंट प्लान मैं जब बनाऊंगा तो मेरे को बताओ, इफ रिमेंबर मैंने एक वर्ड हमेशा यूज किया है, ये रूम को क्या बोलते हैं हम लोग, फैसिलिटी, आईपी फैसिलिटी. डोंट यू थिंक वी रिक्वायर ए फैसिलिटी टू रन द सिस्टम्स? विदाउट सिस्टम, विदाउट फैसिलिटी कैन सिस्टम रन? अरे भाई मुंबई बैंगलोर, अनलेस अनटिल तुम्हारे पास फैसिलिटी नहीं है नहीं होएगा. इसीलिए आपका लास्ट प्लान होता है आईएएस फैसिलिटी एंड एप्लीकेशन प्लान. What are the various facility you require and what are the various application you will be hosting on that facility? That is your four plans ke type. Ye aapko answer dhyan rakhna hai. Main wapas concept samjha raha hu, concept samjho. Nahi samjha to answer samajh mein nahi aayega kya hai aur fir ratta maroge. Ratta marne ke baad problem kuch bhi nahi hai, answer easy hai. Lekin point hai ki samjha to thoda acche se samajh paoge yaar, likh paoge. Sabse pehla mera question ye aa raha hai ki IT ki strategy planning kya kya hai? IT technology ki.
अब मेरे इसमें मैंने आपको समझाया टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करो जब रिक्वायरमेंट आए बिजनेस की। तो मैं पहले क्या देखता हूं, मेरे बिजनेस की रिक्वायरमेंट देखता हूं, बिजनेस के बाद मैं ये पता करता हूं कि सिस्टम्स कौन से अवेलेबल है, यानी मार्केट एनालिसिस करता हूं। मार्केट एनालिसिस करने के बाद मेरे लिए मेरे बिजनेस के हिसाब से कौन सा रिक्वायरमेंट है, मैं वो रिक्वायरमेंट डिफाइन करता हूं और उसके हिसाब से वो फैसिलिटी पे जाके मैं वो रिक्वायरमेंट इंप्लीमेंट करता हूं। दैट्स इट। कोल माइंस या रेलवे लाइंस, सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कोल माइंस। सेकंड, मेरे को समझ में आया कौन से रिक्वायरमेंट है। इफ रिमेंबर अटेंडेंस सिस्टम के लिए मैंने बताया था बायोमेट्रिक भी है आईडी कार्ड भी है। सेकंड पॉइंट, मार्केट में कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, बायोमेट्रिक ऑल्सो आईडी कार्ड ऑल्सो, याद आया क्या? तीसरा मेरे को बताओ कोल माइन के लिए सुटेबल कौन सा है, बायोमेट्रिक नहीं होगा, याद है ना मैंने बताया था। तो तीसरा पॉइंट रिक्वायरमेंट प्लान, आईडी कार्ड चाहिए। अब आईडी कार्ड चाहिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर डालना पड़ेगा ना। चौथा पॉइंट, सर्वर्स डालो, इंफ्रास्ट्रक्चर डालो, सब कुछ डालो और उसमें एप्लीकेशन लोड करो, आईडी कार्ड काम चालू होगा। दैट इज योर फोर्थ पॉइंट। दिस इज योर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, दिस इज हाउ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग गोज। अब ये सब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनने के बाद फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट काम करेगा इसके हिसाब से। मेरे ख्याल से मालिक समझा गया। इफ रिमेंबर, ओके, रेलवे लाइंस, कोल माइंस, ये किसने बताया था, गवर्निंग बॉडी या मैनेजमेंट? गवर्निंग बॉडी। लेकिन अभी कोल माइंस में क्या चाहिए क्या नहीं, ये कौन डिसाइड करता? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का काम है प्लानिंग। तो मैनेजमेंट प्लान करने के पहले एंटरप्राइज प्लान देखता है जो गवर्निंग बॉडी ने सेट किया, उसके बाद अपने प्लान डिफाइन करता है। वन दैट इज डन, उसके बाद लोअर लेवल को दे देता है, लोअर लेवल काम कर लेता है। दिस इज हाउ योर फोर टाइप्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ आईटी स्ट्रेटजी प्लानिंग कम्स इनटू पिक्चर। आया क्या? एक एक मार्क का प्लान आ सकता है मालिक, चार मार्क के लिए क्वेश्चन हो सकता है भाई। कौन सा समझा क्या मेरे को बताओ? ओके, किसमें मैं बिजनेस ऑब्जेक्टिव देखूंगा? कितने प्लान है वैसे, नाम चाहिए मेरे को वापस। एंटरप्राइज स्ट्रेटजिक प्लान, सेकंड सेम नाम आईएस स्ट्रेटजी, आईटी नहीं, आईएस स्ट्रेटजिक प्लान, तीसरा आईएस रिक्वायरमेंट प्लान, चौथा आईएस फैसिलिटी प्लान, फैसिलिटी एंड एप्लीकेशन प्लान, फैसिलिटी एंड एप्लीकेशन प्लान। मालिक पक्का क्लियर? किसमें मैं बिजनेस ऑब्जेक्टिव देखूंगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? फर्स्ट। ओके, किसमें मैं ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखूंगा? फर्स्ट ओनली। किसमें मार्केट को स्टडी करूंगा? सेकंड। किसमें टेक्नोलॉजी के बारे में पता करूंगा? सेकंड। किसमें कॉस्ट बेनिफिट देखूंगा? सेकंड। सेकंड वाला पता करना है। थर्ड, ओके, किसमें मैं अपनी रिक्वायरमेंट डिफाइन करूंगा? किसमें मैं बताऊंगा कि ये ओनर है, ये इन्वेस्ट कर रहा है? थर्ड। ओके, और किसमें मैं सिस्टम डेवलपमेंट पूरा फॉलो करूंगा? फोर्थ। एंड दैट इज हाउ आई विल इंप्लीमेंट। मेरे ख्याल से मालिक समझा क्या आंसर? दिस इज आवर कॉन्सेप्ट्स। पक्का समझा ना? एनी डाउट? पक्का समझा ना? वी आर स्टडिंग विच प्लान, कैटेगरीज ऑफ आईटी स्ट्रेटजी प्लानिंग। तो जस्ट बी क्लियर आंसर लिखते वक्त, गलती से भी मसाले में आईटी मत लिखना, आईटी कहीं पर भी नहीं है, अंदर मसाले में आईएस है। वो आईएस का प्लान बनाओगे तो आईटी पे पहुंचोगे। अपडेट करो, पहले एक बार चारों नाम लिख दो और उसके बाद फिर एक एक को मसाले को एक्सप्लेन करते हैं। चार नाम, एंटरप्राइज स्ट्रेटजिक प्लान, इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रेटजिक प्लान, सेकंड पॉइंट इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रेटजिक प्लान, थर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम रिक्वायरमेंट प्लान, एंड फोर्थ कौन सा बेटा? आईएस फैसिलिटी एंड एप्लीकेशन प्लान। भेजिए मैं क्या मालिक? पक्का? फर्स्ट पॉइंट एंटरप्राइज स्ट्रेटेजिक प्लान, एंटरप्राइज स्ट्रेटेजिक प्लान डैश बिजनेस प्लानिंग डिटरमाइंस ओवरऑल प्लान ऑफ एंटरप्राइज। Business planning determines overall plan of enterprise. Business planning determines overall plan of enterprise.
The enterprise strategic plan provides. The enterprise strategic plan provides overall charter, C-H-A-R-T-E-R. The enterprise strategic plan provides overall charter. Overall charter of the enterprise. Dot last line. Kaun banata ye? Top management. Okay, and governing body. It is prepared by. It is primarily prepared by. It is primarily prepared by. Top management. And governing body that guides the enterprise. And governing body that guides the enterprise. Guides the enterprise. Second, IS strategic plan. IS strategic plan. Dash, some of the enablers are. Some of the enablers are. Dash. Some of the enablers are. डैश यानी ये प्लान बनाने के लिए इनेबलर क्या क्या है जो अपने डिस्कस किया सब पॉइंट पॉइंट फॉर्म में लिखते जाओ एक के नीचे एक एंटरप्राइज बिजनेस स्ट्रेटजी एंटरप्राइज बिजनेस स्ट्रेटजी एंटरप्राइज बिजनेस स्ट्रेटजी सेकंड पॉइंट हाउ आईटी सपोर्ट्स बिजनेस हाउ आईटी सपोर्ट्स बिजनेस Third, monitoring technology markets. Monitoring technology market. Next, feasibility study. Feasibility study. And last point, existing system assessment. Existing system assessment. अपने पास कितने system already है? Existing system assessment. पक्का clear? Next. तीसरा वाला बेटा. कौन सा है? IS requirement plan. वापस अपना पहला लाइन वही होगा सम ऑफ द इनेबलर्स आर सम ऑफ द इनेबलर्स आर डैश डेटा ओनरशिप Security classification, data ownership, security classification, data ownership and security classification, ऐसे करते ना, and security classification, second pointer, information model representing business, information model representing business. Information model representing business. Enterprise requirement about IT department. Third point. Enterprise requirement about IT department. Enterprise requirement about IT department. Yes. Next point. Kya hota agla point? IS facility and application plan. IS facility and application plan.
highest facility and application plan. Malik, clear? Dash. First point. The same point, aage ka line. Key enablers are. Key enablers are. Key enablers are. SDLC. Comma, time schedule. SDLC. Comma, time schedule. Second pointer. Facilities required. Facilities required. And third point, organization changes required. Organization changes required. Mere kal se answer pakka clear? This brings to the last question for this part. And last question to this part, kya hai Malik? But before that, categories of IT strategic planning, kitne rahenge? Char. Enterprise strategic plan. IS strategic plan, uske baad IS requirement plan and IS facility and application plan. Pakka clear na Malik? Are hai na. And this brings to the last question. Evaluating the IT governance structure and practices by internal auditor. Again, zero by point. Last question you update kar do. Evaluating IT governance structure and practices by internal auditor. Evaluating IT governance structure and practices by internal auditor. Internal auditor. Malik liye? Akhri point, akhri concept. Okay, iska aur ek bracket mein aal do question. Key components of effective, key components that lead to, key components that lead to effective IT governance. Key components that lead to effective IT governance. Key components that lead to effective IT governance. Malik, clear? Okay, sun lijiye. Okay, क्या की कंपोनेंट्स है या लॉजिकली तुम इंटरनल ऑडिटर हो एटी में आए हो एटी कंपनी है एटी में आईटी स्टीयरिंग कमेटी सब कुछ है ये वाला पॉइंट है और तुमको ये देखना है एटी का आईटी गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा है एंड व्हेन आई से आईटी गवर्नेंस स्ट्रक्चर यू नीड टू अंडरस्टैंड यू नीड टू इन्वेस्ट इन आईटी व्हेयर इट इज रिक्वायर्ड बाय बिजनेस हु विल एंश्योर दैट आईटी इन्वेस्टमेंट इज डन एज पर बिजनेस दैट इज स्टीयरिंग कमेटी तो यू नीड टू चेक द स्टीयरिंग कमिटी एंड द एक्टिविटीज ऑफ द स्टीयरिंग कमिटी आंसर को समझो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू इवेल्युएट आईटी गवर्नेंस यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू इवेल्युएट आईटी गवर्नेंस यू आर रिक्वायर्ड टू इवेल्युएट आईटी गवर्नेंस स्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिसेस अब क्वेश्चन को समझो क्वेश्चन नहीं समझे तब तक बकवास हो जाएगा क्योंकि आगे और एक क्वेश्चन है जिसमें कंफ्यूज होगा उसमें अपन इवेल्युएट आईटी गवर्नेंस करेंगे अभी वी आर नॉट इवेल्युएटिंग आईटी गवर्नेंस वी आर इवेल्युएटिंग आईटी गवर्नेंस स्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिसेस यानी मेरा भाई आईटी गवर्नेंस का कौन ध्यान रखना स्टीयरिंग कमेटी और उनकी प्रैक्टिसेस क्या है ये मेरे को देखना है तो सर क्या क्या देखेगा 6.58 आंसर है कुछ नहीं मतलब अगर तेरे को समझेगा तो इजी है नहीं समझा तो भाई बाउंसर तो वैसे ही है सबसे पहला पॉइंट मेरे को बता तेरे को सबसे पहले देखना होगा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है ओके मेरे को बता आईटी स्टीयरिंग कमेटी कौन से डिपार्टमेंट के मेंबर्स है बिजनेस एंड आईटी यानी मेरे को बता स्टीयरिंग कमेटी के पहले पहले आईटी डिपार्टमेंट चाहिए ना तेरे को तो इसीलिए तेरे को सबसे पहले क्या देखना होगा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इफ रिमेंबर लाइक दिस ओनली मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ही देखना होगा सबसे पहले तेरे को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखेगा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में से तू ये पता करेगा क्या हम लोग ने लीडरशिप क्वालिटीज के हिसाब से भाई स्टीयरिंग कमेटी बनाई है कि नहीं यानी सेकंड पॉइंट व्हाट यू विल चेक लीडरशिप यानी जो बंदे लिए तुमने स्टीयरिंग कमेटी के लिए वो कौन बंदे है लीडरशिप वाले बंदे है बात खत्म पहले दो पॉइंट मैं वापस बोल रहा हूं व्हाट इज द क्वेश्चन फॉर अस इवैल्यूएटिंग व्हाट इवैल्यूएटिंग आईटी गवर्नेंस स्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिसेस आई नीड टू इवैल्यूएट टू थिंग्स ना व्हाट आर द टू थिंग्स
स्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिस. स्ट्रक्चर आपके स्क्रीन पे हो गया. बस स्ट्रक्चर में दो चीज तेरे को देखनी है, क्या सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है और उसमें लीडरशिप क्वालिटी है क्या. ओके, वेदर देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन. बॉस आईटी डिपार्टमेंट बनाया है क्या, रोल रिपोर्टिंग कैसा बनाया है क्या, ये हो गया तेरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. और उसमें लीडरशिप क्वालिटी भाई कैसा है. ओके, वेदर बिजनेस एंड आईटी, ये दोनों के इसमें से टॉप मैनेजमेंट लेके अपने आईटी स्टीयरिंग कमेटी बनाई है क्या. सेकंड पॉइंट, नाउ आई एम गोइंग ऑन प्रैक्टिसेस. प्रैक्टिसेस क्या, क्या स्टीयरिंग कमेटी रिस्क देख रही है क्या. स्टीयरिंग कमेटी, इफ रिमेंबर, क्या था ये डोज एंड विंडोज, क्या था रिस्क असेसमेंट. रिस्क असेसमेंट करने के बाद मैं क्या डाल रहा था, कंट्रोल. तो नेक्स्ट पॉइंट, रिस्क के अगेंस्ट स्टीयरिंग कमेटी कंट्रोल दिखे क्या, और कंट्रोल जब डालोगे तो वो प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोसेस आपने इंप्लीमेंट किया क्या. एंड लास्ट, प्रोसेस को तू क्या करेगा, मॉनिटरिंग. दिस इज योर टोटल 6 पॉइंट्स टू बी इवैल्यूएटेड. यानी 6 पॉइंट्स क्या है इवैल्यूएशन के मालिक. सबसे पहले तू जाके देखेगा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. सबसे पहले क्या जाके देखेगा मालिक, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. सेकंड पॉइंट क्या देखेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में लीडरशिप है क्या. बस इधर तक हो गया स्ट्रक्चर का. अब उसके बाद उसके प्रैक्टिसेस, उसके प्रैक्टिसेस में सबसे पहला तेरा होगा रिस्क असेसमेंट. रिस्क देखने के बाद तू देखेगा उधर कंट्रोल डाला है क्या. उधर कंट्रोल डालने के बाद, कंट्रोल डालने के बाद तू ये देखेगा कंट्रोल का प्रोसेस है क्या. एंड प्रोसेस को तुझे क्या करना है, मॉनिटरिंग. दैट्स योर 6 की पॉइंट्स टू बी इवैल्यूएटेड. मेरे ख्याल से मालिक पक्का क्लियर. व्हाट इज द क्वेश्चन यार, मैं वापस बोल रहा हूं. इवैल्यूएटिंग IT governance structure and practices. Evaluating IT governance structure and, अरे समझा क्या मालिक, अरे हाय आना. That's bring your end with governance point. अभी अगर बात करें तो KMP और KGP और last GRC बचा है. GRC मेरे लिए इशू नहीं है, KGP भी इशू नहीं है. KGP भी आपको ऑलरेडी आता है. अपने लिए KMP का लास्ट सेक्ट बचा है जो कॉन्सेप्चुअल है बस. दैट इज योर लास्ट 4 क्वेश्चन as such. इसके बाद ये चैप्टर में कोई दम नहीं है. चैप्टर मतलब ये है, मतलब इतना ही पॉइंट है चैप्टर का जो आपको ध्यान रखना है. And this is a complete chapter. उनके आपका सारा क्वेश्चन चैप्टर 1 का कवर है. तो बस तुझे ये ध्यान रखना है कि चैप्टर 1 का क्वेश्चन कौन सा पूछा जा रहा है, कब पूछा जा रहा है, क्योंकि वो पॉइंट तू मिक्स मैच करेगा. इसका मैंने और एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, की कंपोनेंट्स ऑफ इफेक्टिव आईटी गवर्नेंस. यानी आईटी गवर्नेंस दैट लीड टू इफेक्टिव आईटी गवर्नेंस. आईटी गवर्नेंस को इफेक्टिव बनाने के लिए तेरे की कंपोनेंट्स क्या है. तो गलती से भी तू देख, गलती से भी तेरा आंसर का इंटरप्रेशन गलत ना हो जाए, क्वेश्चन का इंटरप्रेशन गलत ना हो जाए. तो इधर क्वेश्चन का इंटरप्रेशन ध्यान रखना तू, बाकी तो ठीक है. मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं आईटी गवर्नेंस स्ट्रक्चर देख रहा हूँ और उनके प्रैक्टिसेस देख रहा हूँ. स्ट्रक्चर और प्रैक्टिसेस, स्ट्रक्चर मतलब स्टीयरिंग कमेटी को देखूंगा और स्टीयरिंग कमेटी काम कैसे करती है वो देखूंगा. और स्टीयरिंग कमेटी काम करेगी कैसी, हर एक काम थोड़ा ना बताते रहूंगा मैं इधर. तो मैं ओवरऑल काम क्या बताऊंगा. स्टीयरिंग कमेटी कोई भी प्रोजेक्ट आएगा, सबसे पहले वो प्रोजेक्ट का क्या देखेगी, रिस्क. फिर प्रोजेक्ट को रिस्क को गार्ड करने के लिए क्या डालेगी, कंट्रोल. और कंट्रोल के लिए वो क्या इंप्लीमेंट करेंगे, प्रोसेस. और उसको क्या करेंगे, वो मॉनिटर. दैट इज व्हाट वी डिड इन स्टीयरिंग कमेटी का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टू रिव्यू प्रोजेक्ट्स, टू अप्रूव प्रोजेक्ट्स, टू मॉनिटर प्रोजेक्ट्स. मेरे ख्याल से मालिक क्लियर. तो समझा कि नहीं समझा तुमको, पक्का. ओके, सो व्हाट इज द क्वेश्चन हियर, इवैल्यूएटिंग आईटी गवर्नेंस स्ट्रक्चर एंड बताइए 6 पॉइंट. सबसे पहले क्या देखेगा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में लीडरशिप. लीडरशिप ये काम खत्म हो गया स्ट्रक्चर का. अब 4 पॉइंट तेरे को क्या देखना है, रिस्क करता है कि नहीं, रिस्क के लिए कंट्रोल, कंट्रोल के अगेंस्ट प्रोसेस, और प्रोसेस के अगेंस्ट मॉनिटर. परफेक्ट, अपडेट मारो. ये कौन चेक कर रहा है, इंटरनल ऑडिटर. ये इंटरनल ऑडिटर चेक करेगा, और स्टैट्यूटरी ऑडिटर कुछ नहीं करेगा. स्टैट्यूटरी ऑडिटर वो अपन ने 5 कैटेगरी गलती ना वो करता. गवर्नेंस इज टेकन केयर बाय इंटरनल डिपार्टमेंट. गवर्नेंस इज नॉट स्टैट्यूटरी. स्टैट्यूटरी के लिए क्लॉज 49 लिस्टिंग एग्रीमेंट वो अलग कॉन्सेप्ट है, इंटरनल ऑडिट का पॉइंट है. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अब 5-6 पॉइंट में पहली लाइन कॉमन रखना, द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स नीड टू बी रिव्यूड बाय ऑडिटर. फर्स्ट पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर - द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स नीड टू बी रिव्यूड बाय ऑडिटर. द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स नीड टू बी रिव्यूड बाय ऑडिटर. द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स नीड टू बी रिव्यूड बाय ऑडिटर - How organization management, sub point 1, how organization management and IT personnel are interacting and communicating. How organization management and IT personnel are interacting and communicating. Sub
सब पॉइंट टू रोल्स एंड रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आईटी, रोल्स एंड रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आईटी। बात खत्म, सेकंड पॉइंट, बस ये दो पॉइंट। यानी अब तेरे को मालूम पड़ गया डिपार्टमेंट तोड़ है, यानी तेरे पास डिपार्टमेंट है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आईटी डिफाइंड है, ये लोग इंटरेक्ट भी कर रही हो गया, अब तेरे को देखना उसके अंदर की स्टीयरिंग कमेटी। नेक्स्ट पॉइंट लीडरशिप, सेकंड पॉइंट लीडरशिप, अब इसकी पहली लाइन वापस कॉमन हो गई। द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स नीड टू बी वेरीफाइड बाय ऑडिटर। डैश रिलेशनशिप बिटवीन, रिलेशनशिप बिटवीन सब पॉइंट वन, रिलेशनशिप बिटवीन आईटी ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटेजिक नीड्स, रिलेशनशिप बिटवीन आईटी ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटेजिक नीड्स। रोल्स ऑफ स्टीयरिंग कमिटी एंड बीओडी, सेकेंड पॉइंट। पॉइंट टू रोल ऑफ स्टीयरिंग कमिटी एंड बीओडी। थर्ड डिटरमाइन हाउ आईटी विल बी मेजर्ड, थर्ड डिटरमाइन हाउ आईटी विल बी मेजर्ड। Determine how IT will be measured. Malik, clear? How IT will be measured. Third point. क्या करना रे अभी? अभी तू process बता। पहला risk. Okay. चार पॉइंट क्या है इसके आगे के? रिस्क कंट्रोल प्रोसेस एंड मॉनिटरिंग। रिस्क डैश द फॉलोइंग एस्पेक्ट नीड टू बी रिव्यूड बाय ऑडिटर, सेम पॉइंट। द फॉलोइंग एस्पेक्ट नीड टू बी रिव्यूड बाय ऑडिटर। ऊपर बोल के आना पड़ेगा, मेरे पास नहीं है, मेरे को एक घंटा लगेगा। शरद को बोल दे वैसा तो उधर लगा डाल, एक घंटा अपने क्लास में ले ले और एक घंटे बाद इधर शिफ्ट करना, फिर उधर एक बजे क्लास है। डैश रिव्यू, एक सेकेंड, द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स नीड टू बी रिव्यूड बाय ऑडिटर। सब पॉइंट वन आईटी ऑर्गेनाइजेशन, आईटी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी टू मॉनिटर एंड मिटिगेट रिस्क, IT organization strategy to monitor and mitigate risk, monitor and mitigate risk. And so point two, कौन है भाई बंदा जो responsible है? Accountability of the person, accountability of personnel for risk management, accountability of personnel for risk management. Accountability of personnel for risk management. Malik, clear? Next point. Risk ke baad kya rahega? Kya dalega abhi risk ke baad tu? Controls. Same point. The following aspects need to be verified by auditor. Following aspects need to be verified by auditor.
कंट्रोल डैश द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स नीड टू बी वेरीफाइड ऑडिटर. लिखा क्या? सब पॉइंट वन, एसेस द की कंट्रोल्स. एसेस द की कंट्रोल्स. Assess the key controls that are defined by IT. Assess the key controls that are defined by IT. That are defined by IT. Sub point 2, ownership and documentation of controls. Ownership and documentation of controls. Baat khatam. अब कंट्रोल चेक कर लिया. कंट्रोल के बाद तू क्या डालेगा? प्रोसेस. अभी प्रोसेस और मॉनिटरिंग में ना एक ही पॉइंट है, तो डायरेक्टली स्टेटमेंट लिखना. प्रोसेस और मॉनिटरिंग में यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू इवैल्यूएट. डायरेक्टली प्रोसेस में जो कंट्रोल डाले उसके प्रोसेस कैसे हुए हैं, और मॉनिटरिंग में ऑल प्रोसेसेस नीड टू बी मॉनिटर रेगुलरली और पीरियडिकली व्हाटएवर डेट पे भी. प्रोसेस. नेक्स्ट पॉइंट प्रोसेस. इवैल्यूएट आईटी प्रोसेस. डायरेक्टली एक स्टेटमेंट है. इवैल्यूएट आईटी प्रोसेस यूज्ड टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. Evaluate IT process used to mitigate the risk of organization and underlying systems. Risk of organization and underlying systems. Malik clear? Are hi Anna. Underlying systems. And last point. Kya rahega Malik? Monitoring. Evaluate the framework used by organization. Evaluate the framework used by organization. Monitoring dash. Evaluate the framework used by organization to monitor the systems and controls. Evaluate the framework used by organization to monitor the system and control. भेजे मैं गया एवरीबडी. कॉन्सेप्चुअली लास्ट चार क्वेश्चन बचे हुए हैं जो अपने के एम पी के हैं कॉन्सेप्चुअली. उसके बाद आपका बस कंटेंट सेम एज इट इज है, नॉट एन बिग डील. तो ये गया, ये गया, ये गया. ओके अब अपने लिए चौथा पॉइंट बचा हुआ है के एम पी. यू दिंग के एम पी. के एम पी का फुल फॉर्म की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. KMP फॉर चार पॉइंट है. रिस्क मैनेजमेंट. सेकेंड, अलाइन आईटी ऑब्जेक्टिव्स विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स. आईटी ऑब्जेक्टिव्स विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स. थर्ड, आईटी कंप्लायंस. एंड फोर्थ, सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल. आईटी कंप्लायंस एंड सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल. Key management practices. Pehla, risk management. Second, aligning IT objectives with business objectives. Third, IT compliance. Chautha, system of internal control. System of internal control. Malik, pakka clear? Arey, hi Anna. Mujhe wapas ye pehla point ab sun lijiye. Ab ye individual question. Ye wapas aapke liye LDR. Okay, chances pure hai. Ye charo question already aa chuke hai. Every question is 1/5, 1/5, 1/5. Khali November 16 mein ek bhi question nahi aaya. सारे अटेम्प्ट में एक एक क्वेश्चन थे एक्सेप्ट नवंबर 16 नहीं आया. अभी रिपीटेशन ही होगा और क्या होगा. केजीपी एक्सपेक्ट कर रहा था लेकिन केजीपी भी नहीं आया. और केजीपी इसलिए आने का चांस नहीं है क्योंकि बहुत छोटा है. ईडीएम दैट इज ए बेसिक पॉइंट. केजीपी में आपका आंसर कभी चेंज नहीं होगा. यहाँ पर आपका आंसर चेंज हो गया और यहाँ पर सीक्वेंस मैटर था. सीक्वेंस गया तो मार्क्स गया. तो सब लोग का ध्यान इधर ध्यान दो. ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन अपडेट कर दो. के एम पी फॉर रिस्क मैनेजमेंट. KMP for risk management.
key management practices for risk management. Okay. मैनेजमेंट रिस्क मैनेज करने के लिए क्या क्या करेगा? मैनेजमेंट रिस्क मैनेज करने के लिए क्या क्या करेगा? मैं मैनेजमेंट हूं, मैं रिस्क मैनेज कर रहा हूं मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए. मेरे पास की मैनेजमेंट प्रैक्टिस क्या है? प्लान बिल्ड रन मॉनिटर, यही है ना. लेकिन ये कॉन्सेप्ट था. अब अपन एक्चुअल आंसर पढ़ रहे हैं. 6 पॉइंट करेगा, सुन ले. क्या करेगा? सबसे पहले कलेक्ट डेटा. क्या करेगा मालिक? कलेक्ट डेटा, जितना डेटा है सारा कलेक्ट करेगा. सेकेंड, जो डेटा आया उसमें एनालाइज रिस्क करेगा. क्या करेगा? एनालाइज रिस्क. कलेक्ट डेटा, एनालाइज रिस्क, इसमें इतना रिस्क, इसमें इतना रिस्क, एनालाइज करो कितना कितना रिस्क होगा. थर्ड, मेंटेन रिस्क प्रोफाइल. मेंटेन रिस्क प्रोफाइल, सीबीएस इतना रिस्क, अकाउंट्स इतना रिस्क, एचआर इतना रिस्क, ओके, एक्स वाई जेड इतना रिस्क. प्रोफाइल बना दो पूरा. मुझे वापस चाहिए 3 स्टेप. पहला स्टेप कलेक्ट डेटा, एनालाइज रिस्क, मेंटेन रिस्क प्रोफाइल. वापस चाहिए मुझे कलेक्ट डेटा, एनालाइज रिस्क, मेंटेन रिस्क प्रोफाइल. ड्यूट समझा क्या? सबसे पहले सीबीएस अकाउंट, एचआर, एक्स वाई जेड सबका डेटा कलेक्ट करो. सेकंड, उस पर रिस्क किधर किधर है वो पता करो. तीसरा, उसका एक प्रोफाइल बना दो. अब पॉइंट समझने की कोशिश करो. मैनेजमेंट कुछ नहीं करेगा क्योंकि अब आपको रिस्क अगर मिटिगेट करना है तो कंट्रोल डालने पड़ेंगे. कंट्रोल फुकट आएंगे या पैसे लगेंगे? पैसे. इसीलिए मैनेजमेंट क्या कहता है? चौथा पॉइंट, आर्टिकुलेट रिस्क. सर आर्टिकुलेट मतलब क्या? कम्युनिकेट रिस्क. कम्युनिकेट किसको करेगा? स्टेक होल्डर्स. कम्युनिकेट द रिस्क, कम्युनिकेट द रिस्क टू स्टेक होल्डर्स. मैंने स्टेक होल्डर को कम्युनिकेट किया. ओके, कम्युनिकेट किया स्टेक होल्डर्स, ये रहा तुम्हारा रिस्क है, ये रिस्क प्रोफाइल है. अब स्टेक होल्डर्स, पांचवा पॉइंट, स्टेक होल्डर्स देखते हैं. अच्छा, सीबीएस अकाउंट, एचआर, एक्स वाई जेड. फिर मैं मैनेजमेंट था. ओके, स्टेक होल्डर लॉयड था. लॉयड बोला, ओ अमित, ओके, सुन, सीबीएस को है ना, ओके, टर्मिनेट, मेरा बैकअप. अकाउंट्स मिटिगेट, थोड़ा सा रहेगा. ओके, एचआर एक्सेप्ट. आप समझे क्या? यानी अब मेरे को स्टेक होल्डर्स बताएंगे व्हाट शुड आई डू, एंड दैट इज कॉल्ड मैनेज रिस्क मैनेजमेंट पोर्टफोलियो. रिस्क मैनेजमेंट पोर्टफोलियो, इग्नोर कर, टर्मिनेट कर, मिटिगेट कर, ट्रांसफर कर. याद आएगा 5 पॉइंट ब्रेक के पहले पड़ा. स्टेक होल्डर मुझे बताएंगे और लॉजिकली लास्ट पॉइंट, उसके हिसाब से मैं रिस्पॉन्ड करूंगा. लास्ट पॉइंट, रिस्पॉन्ड टू रिस्क. जैसा द 6 महीने, नथिंग बट प्लान बिल्ड रन मॉनिटरी है, लेकिन वो करने का तरीका देखा है अपने. वॉट आर द 6 स्टेप्स? पहला स्टेप कलेक्ट डेटा, सेकेंड एनालाइज रिस्क, मेंटेन रिस्क प्रोफाइल. प्रोफाइल हाँ, पोर्टफोलियो नहीं. पोर्टफोलियो आया तो मैनेज होता. ओके, तो मेंटेन रिस्क प्रोफाइल. अब ये रिस्क प्रोफाइल क्या करूं? आर्टिकुलेट. आर्टिकुलेट मतलब कम्युनिकेट. आर्टिकुलेट करने के बाद स्टेक होल्डर्स मुझे क्या देंगे? रिस्क मैनेजमेंट पोर्टफोलियो. वर्ड एकदम ध्यान दें, रिस्क मैनेजमेंट पोर्टफोलियो. एंड अकॉर्डिंगली व्हाट शुड आई डू? रिस्पॉन्ड. बात खत्म. मुझे वापस मेरे ख्याल से लॉजिक तो समझा होगा. एवरीबडी क्लियर? बस नाउ यू नीड टू रिमेंबर एंड आई डू थिंक यू अंडरस्टूड द आंसर शुड बी इन सीक्वेंस. सीक्वेंस गया, मार्क्स का. व्हाट आर द 6 की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस? कलेक्ट डेटा, एनालाइज रिस्क, मेंटेन रिस्क प्रोफाइल. मेंटेन रिस्क प्रोफाइल, एवरीबडी क्लियर? रिस्क प्रोफाइल करने के बाद मुझे बताऊंगा. आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट द रिस्क, आर्टिकुलेट द रिस्क. आर्टिकुलेट करने के बाद वो लोग क्या देंगे मुझे? रिस्क मैनेजमेंट पोर्टफोलियो, रिस्क मैनेजमेंट. एंड लास्ट पॉइंट, रिस्पॉन्ड टू रिस्क, रिस्पॉन्ड टू रिस्क. मेरे ख्याल से मालिक समझा एवरीबडी? अरे समझ में आया क्या? बस ऐसा ही आंसर आगे के 4 है. मतलब ये 4 आंसर ऐसे ही है, ये 4 आंसर है तो ऐसे ही याद रखना है. ये नवंबर 14 में गया था रिस्क मैनेजमेंट. ओके, आईटी कंप्लायंस, सॉरी नवंबर 14 में सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल गया था. मई 15 में रिस्क मैनेजमेंट गया, नवंबर 15 में आईटी कंप्लायंस गया, और मई 16 में अलाइनिंग आईटी ऑब्जेक्टिव्स गया. सारे 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 गए हुए हैं, खाली नवंबर 16 में कोई नहीं आया हुआ है. मेरे ख्याल से मालिक पक्का गया. एवरीबडी अपडेट मत दो. की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट लिख लिया ना. फर्स्ट पॉइंट, कलेक्ट डेटा. डैश, आइडेंटिफाई एंड कलेक्ट रिलेवेंट डेटा. आइडेंटिफाई एंड कलेक्ट रिलेवेंट डेटा. Identify and collect relevant data. To identify, comma, analyze and report the risk. To identify, analyze, and report the risk. Second, analyze risk. Develop useful information.
Develop useful information. Develop useful information to support. To support risk decisions. Develop useful information to support risk decisions. Taking relevant risk factors. Taking relevant risk factors. Taking relevant risk factors. Next point. Teesra. Kare bada? Kya hai? Maintain what? Risk profile. Okay, kya tha Malik? Kidhar tha apan? Maintain risk profile. Dash. Maintain an inventory of. Maintain an inventory of. Maintain an inventory of known risk. Maintain an inventory of known risk. Maintain inventory of known risk and risk attributes. And risk attributes. Risk attributes. Risk attributes. Pakka clear? Chautha. Abhi ye mere ko samne wale ko batana padega. Articulate the risk. Articulate the risk. Articulate the risk. Kya karna articulate matlab? Communicate the risk with stakeholders. For taking appropriate actions. Appropriate response. Communicate the risk with stakeholders for taking appropriate response. Communicate risk with stakeholders for taking appropriate response. Next point. Communicate karne ke baad Bharat Mata ki jai. Kya karna? Management portfolio. Next point. Risk management portfolio. Dash. Manage opportunities and reduce risk to an acceptable level. Manage opportunities and reduce risk to an acceptable level. An akhri point. Respond to risk. Risk to acceptable level. And last point. Respond to risk. Respond to risk. Dash. Respond to risk in a timely manner. Response to risk in a timely manner. Response to risk in a timely manner. Mere khayal se answer pakka clear? Perfect. That's your first point. Okay. So mere khayal se answer pakka clear? Direct question aayega Malik. Key management practices for risk management. Pakka clear? Next point. Key management practices. Key management practices for aligning IT objectives and IT strategy or objectives. Key management practices for aligning IT objectives or strategy. With enterprise objective or strategy. With enterprise objective or strategy.
with enterprise objectives or strategy. Malik, clear? Are hai na? Okay. छह स्टेप्स वापस ध्यान दो. क्या क्या छह स्टेप्स है एकदम आराम से मुझे बताओ. मैंने क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है? क्वेश्चन थोड़ी इजी है. सबसे पहला पॉइंट, की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर अलाइनिंग आईटी ऑब्जेक्टिव्स विथ बिजनेस, अलाइनिंग आईटी स्ट्रेटजी विथ बिजनेस. यही कॉन्सेप्ट है ना. ओके, तो सबसे पहले अपन ने क्या करना, अंडरस्टैंड एंटरप्राइज डायरेक्शन. पहला क्या समझेंगे मालिक? अंडरस्टैंड एंटरप्राइज डायरेक्शन. अंडरस्टैंड एंटरप्राइज डायरेक्शन. अंडरस्टैंड एंटरप्राइज डायरेक्शन सबसे पहला पॉइंट, अंडरस्टैंड एंटरप्राइज डायरेक्शन. सेकेंड, एसेस करंट एनवायरमेंट. एसेस करंट एनवायरमेंट. फर्स्ट एंटरप्राइज, अंडरस्टैंड एंटरप्राइज डायरेक्शन. सेकेंड, एसेस करंट एनवायरमेंट. थर्ड, डिफाइन टारगेट आईटी कैपेबिलिटीज. डिफाइन टारगेट आईटी कैपेबिलिटीज. तुम अपना मकसद समझो, तुम्हारा करंट आईटी इन्वेस्टमेंट समझो, तुमको फ्यूचर में आईटी इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए वो डिफाइन करो, क्वेश्चन मार्क में लाओ. यानी लॉजिकली दिस इज सम, दिस इज वन कंपोनेंट एंड दिस सम माइनस दिस कंपोनेंट इज दिस. ओके, तो लॉजिकली यही पॉइंट है. अपने लिए एंटरप्राइज डायरेक्शन समझो. ओके, मालिक समझा? अब ये वाला सम सम ये आया, यानी अब ये माइनस ये निकालो. आप देखो कैसे जा रहे हो, ये टोटल, टोटल में से एक्स आया तो मुझे वाई मिला. ओके, और एक्स और वाई जो है ये लॉजिकली वो डिफरेंस मेरे लिए रहेगा, मेरे लिए जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा, एंड दैट इज कॉल्ड योर डिफाइंड टारगेट. तो लास्ट पॉइंट इज कंडक्ट गैप एनालिसिस. आप समझिए, अंडरस्टैंड एंटरप्राइज डायरेक्शन, एसेस करंट एनवायरमेंट, डिफाइन टारगेट एनवायरमेंट, टारगेट कैपेबिलिटी, एंड चौथा कंडक्ट गैप. कंडक्ट गैप मीन सेकेंड और थर्ड का डिफरेंस. सर सेकेंड एंड थर्ड मतलब क्या? इफ रिमेंबर एओपी एंड एओपी आरओपी, एनालिसिस ऑफ प्रेजेंट सिस्टम, एनालिसिस ऑफ प्रपोज सिस्टम. प्रेजेंट आपके पास क्या है और प्रपोज आपके क्या है, और उन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो क्या होगा? गैप. यानी मेरे को इन्वेस्टमेंट कितना करना है अभी? गैप. मालिक समझा क्या? नहीं समझा तो वापस समझा रहा हूं. मैंने बताया कि मेरा एंटरप्राइज किधर जा रहा, दूसरा वो जिधर जा रहा है उसमें मैंने अभी कितना इन्वेस्टमेंट किया, थर्ड मेरा टारगेट कितना है, और चौथा सेकंड और थर्ड का डिफरेंस, यानी जो अभी है और जो टारगेट है दोनों का डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस इज फोर्थ इज गैप. पांचवा जो गैप है उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना, वो गैप के लिए आप क्या बनाओ? रोड मैप. और इन्वेस्ट करने वाला कौन है, आप हो या स्टेक होल्डर्स है? कम्युनिकेट करो, कम्युनिकेट विद स्टेक होल्डर्स. बात खत्म. ये हुआ आपका सेकंड पॉइंट. मैं बोल रहा हूं कॉन्सेप्ट क्या है. ये आ गया था मई 16 में. फर्स्ट क्वेश्चन था. ओके, पहला क्या है? अंडरस्टैंड एंटरप्राइज डायरेक्शन, एंटरप्राइज को किधर जाना है. सेकंड, एसेस करंट आईटी एनवायरमेंट. थर्ड, डिफाइन टारगेट आईटी कैपेबिलिटीज. चौथा, कंडक्ट गैप. दोनों का गैप रहेगा. पांचवा, जो गैप है उसके लिए क्या बनाओ? रोड मैप. और छठा, वो रोड मैप कम्युनिकेट किसको? स्टेक होल्डर्स. बात करता हूं. मेरे ख्याल से मालिक पक्का क्लियर? अरे हाय ना, पक्का क्लियर है ना? KMP ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, KMP ऑफ अलाइनिंग आईटी ऑब्जेक्टिव्स विथ बिजनेस. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था अपने मई का भी. व्हाट आर द की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर अलाइनिंग आईटी ऑब्जेक्टिव्स विद बिजनेस. तो 6 पॉइंट अपने लिए दिमाग में बैठ जाने चाहिए. पक्का क्लियर है? लास्ट टाइम मैंने आंसर बता दो. सबसे पहले क्या देखूं मैं? अंडरस्टैंड एंटरप्राइज डायरेक्शन. एंटरप्राइज डायरेक्शन समझने के बाद करंट आईटी सिनेरियो. दूसरा, तीसरा टारगेट. चौथा पॉइंट गैप. चौथा गैप आ गया. पांचवा, गैप के लिए रोड मैप बनाना. और छठा पॉइंट कम्युनिकेट विद स्टेक होल्डर्स लाइक आर्टिकुलेट ओनली. अपडेट मालूम. लास्ट दो क्वेश्चन है, दिमाग चाहिए उसमें, जिसमें मेरे को ये दिमाग के बिना ये जाएगा नहीं. इसके बाद वाला मेरे को इशू नहीं है. फर्स्ट पॉइंट, अंडरस्टैंड एंटरप्राइज डायरेक्शन. अंडरस्टैंड एंटरप्राइज डायरेक्शन. डैश, कंसिडर द करंट एंटरप्राइज एनवायरमेंट. कंसिडर द करंट एंटरप्राइज एनवायरमेंट. As well as future objectives.
as well as future objectives. Future objectives. Second point, assess current environment. Dash, assess the performance of current internal business and IT capabilities. Assess the performance of current internal business and IT capabilities. Assess the performance of current internal business and IT capabilities. And IT capabilities. Malik, clear? Next point, third. क्या करना, डिफाइन टारगेट आईटी कैपेबिलिटीज. डिफाइन टारगेट आईटी कैपेबिलिटीज. डैश, डिफाइन द टारगेट बिजनेस एंड आईटी कैपेबिलिटीज. डिफाइन द टारगेट बिजनेस एंड आईटी कैपेबिलिटीज. Define the target business and IT capabilities. Chautha, upar aur niche ka gap. Kya karna? Conduct gap analysis. Conduct gap analysis. Identify the gap between current and target environment. Identify the gap between current and target environment. Identify gap between current and target environment. Gap ke liye kya banayega tu? Roadmap. Define the roadmap. Define the roadmap. Dash, create strategic plan. Create strategic plan to implement IT related goals. Create strategic plan to implement IT related goals. To implement IT related goals. Malik, clear? लास्ट पॉइंट क्या करने का, कम्युनिकेट. कम्युनिकेट, क्रिएट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग. क्रिएट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस एंड आईटी ऑब्जेक्टिव्स टू द यूजर्स. क्रिएट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एंड आईटी ऑब्जेक्टिव्स. Business and IT objectives to the users. Malik, clear? Everybody, second last question. Ye do question pakka samjhe? KMP for risk management, KMP of for aligning IT objectives with business. Third, KMP for IT compliance. Okay, second last with the concept. लास्ट वाले में थोड़ा सा आपको एनालाइज करना पड़ेगा, बट ये वाला इजी है. इसके बाद वाले में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ता. सर मेरे को बताओ, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के पीपी होंगे ना? व्हाट इज पीपी? मेरी ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट ये है. ये एनवायरनमेंट के बाहर भी लॉज एंड रेगुलेशंस होंगे कि नहीं होंगे? यानी दो तरह के कंप्लायंस होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल. मेरे को थोड़ा थॉट प्रोसेस लगा के बताइए, मेरा एम्प्लॉय शुड ही कंप्लाई विद पीपी, यस और नो? एंड माय पीपी शुड कंप्लाई विद एक्सटर्नल और नॉट?
ये पॉइंट आप समझो. माई पीपी शुड कंप्लाई विद एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ आईटी कंप्लायंस. एम्प्लॉय विल कंप्लाई, दैट इज समथिंग डिफरेंट एस्पेक्ट. वो कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल आ गया. ओके, कंट्रोल एनवायरमेंट, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग. आई एम चेकिंग माई पीपी शुड विद अलाइन विद एक्सटर्नल कंप्लायंस, एंड दैट इज वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट, आइडेंटिफाई चेंजेस इन पोबा एंड पोगा, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट. सबसे पहले तूने क्या करना, चार पॉइंट रहे. सबसे पहले पोबा एंड पोगा में कोई चेंजेस है क्या? सेकंड, अपना पीपी पोगा एंड पोबा के हिसाब से बनाने का. तीसरा, तूने खुद ने एक बार कंफर्म कर लेने का कि अपना पीपी उसके साथ कंप्लाई हो रहा. और चौथा, बाय एश्योरेंस करवा ले, यानी ऑडिट करवा ले कि मैं कंप्लाई कर रहा हूं. बात खत्म, आंसर होगा. थोड़ी सी कॉन्सेप्ट है. पहला पॉइंट, आइडेंटिफाई चेंजेस इन पोगा एंड पोबा. ये नहीं लिखना है, मैं समझाने की वजह से. आइडेंटिफाई चेंजेस इन पोगा एंड पोबा. सेकंड, ओके, रिस्पॉन्स टू दैट चेंजेस इन पोगा एंड पोबा, यानी अपने मॉडिफाई पीपी. तीसरा, कंफर्म दैट यू आर कंफर्म, यस मैन ड्यूड, यस ओके, दैट माय पीपी आर कंप्लाइंग विद पोगा एंड पोबा. एंड चौथा, ओके, इज ऑब्टेन एश्योरेंस ऑन चेंजेस. मालिक समझा? अरे हाँ या ना. पहला, आइडेंटिफाई एक्सटर्नल कंप्लायंस रिक्वायरमेंट. पहला पॉइंट कह रहे मालिक, आइडेंटिफाई एक्सटर्नल कंप्लायंस रिक्वायरमेंट. आइडेंटिफाई एक्सटर्नल कंप्लायंस रिक्वायरमेंट. सेकंड पॉइंट, पक्का क्लियर ना? सेकंड, रिस्पॉन्स एक्सटर्नल कंप्लायंस रिक्वायरमेंट. पहला पॉइंट क्या था? आइडेंटिफाई एक्सटर्नल कंप्लायंस रिक्वायरमेंट. सेकंड, रिस्पॉन्स एक्सटर्नल कंप्लायंस रिक्वायरमेंट. रिस्पॉन्स करना मतलब चेंज करना. एवरीबॉडी क्लियर? थर्ड, कंफर्म एक्सटर्नल कंप्लायंस. कंफर्म मतलब सेल्फ असेसमेंट, खुद कंफर्म करो. एंड लास्ट पॉइंट, ऑब्टेन एश्योरेंस ऑफ एक्सटर्नल कंप्लायंस. ऑब्टेन एश्योरेंस मतलब क्या? परफॉर्म ऑडिट दैट वी आर कंप्लाइंग. मालिक एवरीबॉडी क्लियर? अरे हाँ ना. चार पॉइंट. सबसे पहले आइडेंटिफाई एक्सटर्नल कंप्लायंस रिक्वायरमेंट. सेकंड, रिस्पॉन्स एक्सटर्नल कंप्लायंस रिक्वायरमेंट. थर्ड, कंफर्म एक्सटर्नल कंप्लायंस रिक्वायरमेंट. नहीं, रिक्वायरमेंट हो गया. थर्ड, कंफर्म एक्सटर्नल कंप्लायंस. एंड फोर्थ, ऑब्टेन एश्योरेंस फॉर एक्सटर्नल कंफर्म एक्सटर्नल कंप्लायंस. एवरीबॉडी क्लियर? हाँ या ना? पक्का समझा मालिक? चार पॉइंट लास्ट टाइम मेरे को बता दो. फर्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफाई एक्सटर्नल कंप्लायंस रिक्वायरमेंट. सेकंड, रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल कंप्लायंस रिक्वायरमेंट. तीसरा, कंफर्म. एंड फोर्थ पॉइंट, एश्योरेंस. एक्सटर्नल कंप्लायंस रिक्वायरमेंट या एक्सटर्नल कंप्लायंस? एक्सटर्नल कंप्लायंस. कंफर्म एक्सटर्नल कंप्लायंस, रिस्पॉन्स एक्सटर्नल कंप्लायंस. पक्का क्लियर? अपडेट मान लो. फर्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफाई एक्सटर्नल कंप्लायंस रिक्वायरमेंट. Dash. Continuously identify and monitor the changes in. Continuously identify and monitor changes in local and international laws. Continuously identify and monitor changes in local and international laws. सेकेंड पॉइंट क्या रहेगा? क्या करना अभी तूने? रिस्पॉन्स एक्सटर्नल कंप्लायंस रिक्वायरमेंट. रिस्पॉन्स एक्सटर्नल कंप्लायंस रिक्वायरमेंट. बताओ इसका मसाला क्या समझाया था मैंने? मॉडिफाई एडजस्ट पीपी. Adjust PP to ensure legal and regulatory requirements are addressed and communicated. Adjust PP to ensure that. Legal and regulatory requirements are addressed and communicated. तीसरा,
Confirm external compliance. Dash, confirm PP comply with. Confirm PP comply with legal and regulatory requirement. Confirm PP comply with legal and regulatory requirement. And last point, obtain assurance of external compliance. Obtain assurance of external compliance. Dash, obtain and report assurance of compliance. Obtain and report assurance of compliance. मेडिकल से मालिक पक्का क्लियर है? अरे हाँ या ना? ओके, एक छोटा सा इसके नीचे एक एडिशनल एक लाइन छोड़ के एक अपडेट करो. डू यू रिमेंबर सुबह एक पढ़ा था मैट्रिक्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, इसमें मैट्रिक्स ऑफ रिस्क आईटी कंप्लायंस भी है, लेकिन वो अलग से आएगा कि नहीं आएगा आई डाउट, लेकिन वो एक एडिशनल अपडेट करके रख लो. दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ दिस आंसर बट एक एडिशनल पार्ट है. एक लाइन छोड़ दो, उसके लिए कोई चार्ट नहीं बन रहा था, वो किसी में जा नहीं रहा था आईटी कंप्लायंस बिकॉज देर वॉज नथिंग. तो इसी के साथ में वो अपडेट करके रख लो. मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ आईटी कंप्लायंस विथ एक्सटर्नल लॉज एंड रेगुलेशंस. मैट्रिक्स ऑफ आईटी कंप्लायंस विथ एक्सटर्नल लॉज एंड रेगुलेशंस. मैट्रिक्स ऑफ आईटी कंप्लायंस विथ एक्सटर्नल लॉज एंड रेगुलेशंस. सब पॉइंट वन डाल दे जाओ. सबसे पहला पॉइंट, कितना मुझे फाइन लगा, कितना मुझे सेटलमेंट देना पड़ा. नॉन कंप्लायंस हुआ तो फाइन लगेगा ना, उससे मुझे समझेगा हम लोग नॉन कंप्लायंस कितने कर रहे हैं. जितना मेरे पीएनएल में आएगा फाइन्स, खत्म. मतलब आई एम नॉन कंप्लाइंग. फर्स्ट पॉइंट, कॉस्ट ऑफ आईटी नॉन कंप्लायंस. कॉस्ट ऑफ आईटी नॉन कंप्लायंस. कॉस्ट ऑफ आईटी नॉन कंप्लायंस ब्रैकेट में सेटलमेंट एंड फाइन्स. ब्रैकेट में सेटलमेंट एंड फाइन्स. स्टेटमेंट जैसे सुबह मैट्रिक्स लिखा था चार पॉइंट ना, वैसे ही है. सेकंड, ये नॉन कंप्लायंस किसको रिपोर्ट करना चाहिए? मैनेजमेंट ने किसको रिपोर्ट करना चाहिए? सेकंड पॉइंट, नंबर ऑफ नॉन आईटी रिलेटेड नॉन कंप्लायंस रिपोर्टेड टू बीओडी. नंबर ऑफ आईटी रिलेटेड नॉन कंप्लायंस रिपोर्टेड टू बीओडी. नंबर ऑफ आईटी रिलेटेड नॉन कंप्लायंस रिपोर्टेड टू बीओडी. थर्ड, नंबर ऑफ नॉन कंप्लायंस रिलेटेड टू कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट. नंबर ऑफ नॉन कंप्लायंस रिलेटेड टू कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट. रिलेटेड टू कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट. यानी पहला फाइन्स कितना लगा, सेकंड तुमने बीओडी को कितना बताया, तीसरा तुमने कॉन्ट्रैक्ट कितने वायलेट किए, एंड चौथा तुम्हारा कंप्लायंस. चौथा क्या हुआ? तीसरा बोलिए ना. You're asking. तीसरा पॉइंट, किसके कंप्लायंस में अपन बात कर रहे थे? कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट. कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना अपने एसएलए. अगर एसएलए कंप्लाई नहीं किया, एम आई लायबल फॉर पेनल्टीज? तो तीसरा पॉइंट वही है, कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट. एंड चौथा पॉइंट, कवरेज ऑफ कंप्लायंस असेसमेंट. कवरेज ऑफ कंप्लायंस असेसमेंट, आप क्या क्या कवर कर रहे हो? कवरेज ऑफ कंप्लायंस असेसमेंट. That's it. Ye coverage of compliance has been baat khatam. This brings to the last question for the concept. And this will bring the end to concept set. Okay. Last question kya hai? Key management practices. Malik, key management practices of. Iske pehle ye compliance, isme word mark kar dena. Sabse pehla fine penalties yaad rakh lo. Ye aana mushkil hai. Lekin just wo, kyunki matrix wala risk management bhi aaya tha, toh ye char mark ke liye ho sakta, bonus ho jayega. Fines and penalties pehla point hai. Dusra, board ko report hua. Report to board. पहला फाइन एंड पेनल्टी मार्क करो, दूसरा रिपोर्ट टू बोर्ड, तीसरा कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट.
एंड लास्ट कवरेज. इसके अलावा आंसर में कुछ फेंकना मत. माली क्लियर. एंड लास्ट क्वेश्चन अपडेट माधो. की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. पूरा क्वेश्चन लिखो पहले. वो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा था. पहले क्वेश्चन लिख लो. की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लिखा. अच्छा केएमपी लिख रहे हो ना. हाँ फॉर एसेसिंग फॉर एसेसिंग एंड इवैल्यूएटिंग सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल. आखिरी पढ़ो मेरे भारत देश के वासियों. क्वेश्चन समझ लेना. यू आर नॉट परफॉर्मिंग की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर इंटरनल कंट्रोल्स नहीं है. अगर आप बोलते की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर इंटरनल कंट्रोल सर की मैनेजमेंट प्रैक्टिस फॉर इंटरनल कंट्रोल बोलते तो आपका 5 आ जाता. ओके जब मैंने आपको समझाया प्रभु का वो इंटरनल कंट्रोल है ना. कंट्रोल एनवायरमेंट रिस्क असेसमेंट कंट्रोल एक्टिविटीज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग वो प्रभु का था. वो इंटरनल कंट्रोल्स का कॉन्सेप्ट था. मालिक समझा. अरे हाय अना. ओके दैट वाज व्हाट वी डिफाइंड. राइट नाउ वी आर नॉट चेकिंग दैट इंटरनल कंट्रोल. वी आर चेकिंग सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल. यानी जो 5 स्टेप्स थे ना जिससे आपने कंट्रोल डाले वो 5 स्टेप्स आपके कैसे ना उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं. वापस बोल रहा हूं. यू आर नॉट चेकिंग कंट्रोल्स. डिड यू गॉट दिस क्वेश्चन. You are not checking controls. If you need to check controls, that is the 5 components which we discussed. First, check environment. Second, check risk assessment. Perform control activities. Then you inform, communicate and monitor. That is what you check internal controls. Right now, I am not checking internal controls. I am checking system of internal controls. Then you have past steps. Tumhare kaise hai? Wo main dekh raha hu. To past steps dekhne ke liye mere paas kya point hai? Okay, ye thoda sa bada hai, thoda sa lengthy hai. Lekin aap dhyan rakh lo. Concept samjhoge to aaram se samajh mein aayega. Sabse pehle mujhe dekhna hoga scope kya hai mera. You can't check every and every items. लेकिन तो सबसे पहले देखना होगा क्या देखना होगा स्कोप क्या है. जो स्कोप है उसके लिए मुझे प्लान करना होगा. स्कोप एश्योरेंस एक्टिविटी प्लान एश्योरेंस एक्टिविटी. मुझे आपस चाहिए 2 पॉइंट. क्या है क्या रहेगा पहला स्कोप एश्योरेंस एक्टिविटी प्लान एश्योरेंस एक्टिविटी. मुझे आपस चाहिए स्कोप प्लान. स्कोप किया प्लान किया अब एग्जीक्यूट करो. एग्जीक्यूट एश्योरेंस एक्टिविटी यानी अब हम लोग काम चालू करेंगे. सबसे पहले आइडेंटिफाई किया स्कोप. वो स्कोप के लिए फ्रेमवर्क बनाया. वही कॉन्सेप्ट है ना. अब फ्रेमवर्क बनाने के बाद चालू किया काम. अब मेरे को बताओ जो काम चालू करेगा एग्जीक्यूट एश्योरेंस एक्टिविटीज एश्योरेंस इनिशिएटिव ये जो बंदा करने वाला होगा यानी ये पूरा सिस्टम चेक करेगा मेरे कंट्रोल्स के सिस्टम को. शुड आई माइसेल्फ चेक. क्यों मैं खुद के कंट्रोल्स के सिस्टम को चेक करूंगा तो मैं बोलूंगा तोड़. भाई किसी बंदा इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. तो थर्ड पॉइंट द पर्सन शुड बी इंडिपेंडेंट एंड क्वालिफाइड. इंडिपेंडेंट एंड प्रभु को नहीं बोलना चाहिए तू चेक कर. इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड मालिक एवरीबॉडी क्लियर. वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा ना उसका ही तो सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ है. तो पहले 4 पॉइंट मेरे ख्याल से दिमाग में बैठे. अब ये 4 पॉइंट होने के बाद अब बंदा काम करेगा. अब एक एक चीज चेक करते रहेगा बस. बट बिफोर दैट ये 4 दिमाग में बैठाओ. सबसे पहले क्या करना स्कोप. स्कोप के लिए प्लान. प्लान के बाद एग्जीक्यूट. एग्जीक्यूट करने वाला बंदा इंडिपेंडेंट एंड क्वालिफाइड. इंडिपेंडेंट एंड मुझे बस ये 4 पॉइंट. स्कोप एग्जीक्यूट इंडिपेंडेंट एंड क्वालिफाइड. मालिक एवरीडी क्लियर. पांचवा छठा ये दोनों कॉन्सेप्ट समझो. पांचवा मॉनिटर इंटरनल कंट्रोल्स एंड रिव्यू बिजनेस प्रोसेस. 5 स्टेप्स है तुम्हारे. इफ रिमेंबर कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल. कंट्रोल एनवायरमेंट कंट्रोल एक्टिविटीज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग. मॉनिटरिंग था ना. मॉनिटर कंट्रोल्स यानी तुम सिस्टम को चेक करना तो पहले कंट्रोल भी देख लो. कंट्रोल देखो तो सिस्टम ऑटोमेटिकली समझेगा. और कंट्रोल समझने के बाद फिर उसके जो प्रोसेस है ना पूरा वो रिव्यू करो. अब ये यहां पर एक कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो सकता है. यानी कोई स्टूडेंट बोलता है सर ये रिव्यू बिजनेस प्रोसेस पहले करना है. डजंट मैटर ये ऊपर नीचे आप कह सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है. दोनों अपसाइड डाउन हो सकता है. यानी पहले बिजनेस प्रोसेस को रिव्यू करो फिर इंटरनल कंट्रोल करो. उसके बाद ओके परफॉर्म कंट्रोल सेल्फ एसेसमेंट. यानी यू शुड परफॉर्म योर एंड. ओके तुमने रिव्यू कर लिया. ओके सेल्फ एसेस कर लो. यस आई हैव डन एट माय एंड. ओके मेरे एंड पे. एंड वंस यू हैव डन एट आपके एंड पे अब अगर इसमें आपको कोई डेफिशिएंसी आई रिपोर्ट करो. रिपोर्ट कंट्रोल डेफिशिएंसी. बात खत्म. आंसर खत्म. एंड हियर कॉन्सेप्ट ऑफ चैप्टर 1 ओवर एज सच. What you are doing? Are you checking internal control or the system?
डज कंट्रोल इज ए पार्ट ऑफ सिस्टम, यस, तो उसका नाम तो आना ही आना है, आप ये समझो, लेकिन उससे ज्यादा आएगा। अगर ये खाली कंट्रोल को चेक करना होता ना, तो ये खाली मेरा ना कौन से पॉइंट में चला जाता मालूम है, पांचवा। लेकिन मेरे को कंट्रोल नहीं चेक करना है, पूरा सिस्टम चेक करना है। इसीलिए क्या बोलता हूं, सबसे पहले चार चीजें याद रखो। सबसे पहले स्कोप देखो, स्कोप के लिए प्लान करो, प्लान के बाद एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट करने वाला बंदा इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड हो। अब उसने क्या करना, उसने बिजनेस प्रोसेस को रिव्यू करना, कंट्रोल्स को चेक करना। या मैंने अब मैंने जैसे बताया, कंट्रोल को चेक करो, बिजनेस प्रोसेस को रिव्यू करो। जैसे ही ये दो किया, उसके बाद कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट कर लो, यानी यस यस आई हैव डन, एंड उसके बाद जो भी आपकी रिपोर्टिंग आएगी डेफिशिएंसी, उसको रिपोर्ट करो, रिपोर्ट डेफिशिएंसीज। मालिक समझ में आया एवरीबॉडी? नवंबर में ही 6 मार्क का क्वेश्चन था, नवंबर 14, अब नवंबर 16 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, नवंबर 14 पे ये नहीं आया हुआ। इसीलिए मैंने बोला मई 17 के लिए भाई पूरा लक है भाई, ये चार क्वेश्चन। और मेरे ख्याल से ये चार क्वेश्चन आपको समझोगे, कंपेरेटिवली इट्स ओनली रिक्वायर ओनली सीक्वेंस, बट वंस अंडरस्टूड इट इज वेरी इजी विद ए फ्लो, बट ओनली फ्लो समझना। अगर आपने इसको 8 पॉइंट को ऊपर नीचे कर दिया ना, मां कसम आधा समझेगा नहीं, तो बाउंसर का बाउंसर रहेगा। यही पॉइंट है। तो सबसे पहले तू याद रख, पहले चार याद रख। सबसे पहले तू क्या देखेगा, अपना कॉमन पॉइंट ही है ना ये हमेशा, पहले स्कोप करेगा, स्कोप के बाद फ्रेमवर्क करेगा, फ्रेमवर्क को बोलते हैं प्लान, प्लान के बाद एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट करने वाला बंदा इंडिपेंडेंट एंड क्वालिफाइड। ओके, अब वो दो काम करेगा, कंट्रोल चेक करेगा, प्रोसेस को रिव्यू करेगा। और ये दो चेक करने के बाद खुद क्या करेगा, सेल्फ असेसमेंट, यानी साइन करेगा, बॉस यस आई हैव डन, एंड आफ्टर दैट ही विल रिपोर्ट। परफेक्ट, मेरे ख्याल से समझा, इजी चेकिंग कंट्रोल और सिस्टम, सिस्टम आप ये याद रखना, सिस्टम की वजह से आंसर बड़ा हुआ। अगर कंट्रोल चेक करता तो 5 आंसर था, 5 पॉइंट, बात खत्म। मालिक पक्का क्लियर? अपडेट, चारों एलडी आ रहे हैं, मतलब मैं आपको पूरा क्लियर मार्क करके दिया। मैंने आपको बोला भी ये चैप्टर उनका प्रेडिक्शन बहुत आसान है, ये और ये स्टार्टिंग में सुबह मार्क किया हुआ येल्लो, मैं आपको गारंटी बोल रहा हूँ। दो क्वेश्चन आप इसमें से पकड़ लो, मेरी गारंटी 10 मार्क तेरे को मेरे प्रेडिक्शन से आ जाता। 2-4 मार्क वल्नरेबल, 4-1 मार्क वल्नरेबल, वल्नरेबल मतलब कहाँ से शिफ्ट होगा भगवान जाने, लेकिन इतना प्रेडिक्शन तो चैप्टर वन का अपना तोड़ है। फर्स्ट पॉइंट, स्कोप एश्योरेंस इनिशिएटिव, स्कोप एश्योरेंस इनिशिएटिव। डैश, डिफाइन एंड एग्री विथ मैनेजमेंट, डिफाइन एंड एग्री विथ मैनेजमेंट ऑन द स्कोप ऑफ एश्योरेंस इनिशिएटिव, डिफाइन एंड एग्री विथ मैनेजमेंट, डिफाइन एंड एग्री विथ मैनेजमेंट ऑन द स्कोप ऑफ एश्योरेंस ऑब्जेक्टिव। सेकेंड, उस स्कोप के लिए मैं क्या करूं, पहला पॉइंट पक्का समझा, एग्री विथ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट हाँ बोलेगा तो फिर आप जाओगे ना आगे। सेकेंड, प्लान एश्योरेंस इनिशिएटिव, प्लान एश्योरेंस इनिशिएटिव। डैश, प्लान एश्योरेंस इनिशिएटिव बेस्ड ऑन Plan Assurance Initiative based on Enterprise Objective and Conformance Objective. Conformance Objective. Conformance Objective. Malik, pakka clear? Third point. स्कोप किया, प्लान किया, अब तीसरा मैंने क्या करना, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट एश्योरेंस इनिशिएटिव। डैश, इसका एक लाइन, एग्जीक्यूट प्लान्ड एश्योरेंस इनिशिएटिव, यानी ऊपर का ही मसाला लिख रहा है। Executive planned assurance initiative. Chautha. Kya tha Malik? Jo banda ensure
Ensure assurance providers are independent and qualified. Ensure assurance providers are independent and qualified. Dash. Ensure entities providing. Ensure entities providing assurance initiative are independent and qualified. Ensure entities providing assurance initiative are independent and qualified. All clear? Next point. क्या रहेगा? हाँ बेटा? अब क्या करें? ये हो गया. अब मुझे दो चीज करनी है. Monitor, control और review business process. तो पहले review business process लिखो. Review business process. Dash. Review the business process. Review the business process and identify effectiveness. Review business process and identify effectiveness. अब क्या करना? Control check करना. Monitor internal control. Dash. Continuously monitor internal controls. Continuously monitor internal control. Next point. क्या कर रहे? Perfect. Perform control self-assessment. Perform control self-assessment. Encourage management and process owner. Encourage management and process owner to perform control self-assessment. To perform control self-assessment. And last point. अब तुझे perform करने के बाद तुझे क्या करना? Report control deficiencies. All clear? अरे हाँ ना. Perfect. That's your content to be remembered. हाँ एक अरे statement लिखा ना वही एक ही point है. Report control. Same. Dash. Okay, sir. Report control deficiencies. Ek hi line wapas wahi likhna hai. Report control deficiencies to management. Report control deficiencies to management. All clear? That's the content to be taken care of with respect to the KMP. Okay, sir. Pakka concept samjhai idha tak? ये काम खत्म हुआ तो अपना काम खत्म हो गया. ओके केजीपी में मैं लिखा नहीं रहा हूं, मैं आपको रेफरेंस दे देता हूं और टेस्ट बुक से आप देख लेना एक बार. ओके इसका आंसर सेम ही है. ओके जो अपन ने पढ़ा हुआ है क्या है? ईडीएम. व्हाट इज ईडीएम? इवैल्यूएटिंग ऑप्शंस, सेटिंग डायरेक्शंस एंड मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस. यानी अगर आपको जो दो पॉइंट दिए हुए हैं, की गवर्नेंस प्रैक्टिसेस फॉर रिस्क मैनेजमेंट, इवैल्यूएट रिस्क मैनेजमेंट, डायरेक्ट रिस्क मैनेजमेंट एंड मॉनिटर रिस्क मैनेजमेंट. And same logic GIT के लिए, evaluate governance system, direct governance system, monitor governance system. Okay, ये एक set देखने ना. Okay,
टू द एक्सटेंट ये वाला एक पॉइंट है और ये एक जस्ट ये वाला पॉइंट है, ये मैं ये लिखने का पॉइंट नहीं है, ये एक जस्ट रीड मार लेना. ओके okay, बस आपको ये समझा दो ये कॉन्सेप्ट क्या है, जस्ट रीड कर लेना, बस रीड करना तो कर लेना नहीं तो छोड़ देना. गवर्नेंस और रिस्क कंप्लायंस जो अपन ने थोड़ी देर पहले देखा, पता नहीं वो याद आ रहा है ना आपको. ओके okay, अपन ने ये देखा था कि स्टीयरिंग कमिटी होनी चाहिए कि नहीं. सो वॉट आर द इफ रिमेंबर वॉट आर द हाउ आई विल इवेल्युएट इफेक्टिव स्टेटमेंट क्वेश्चन सुनो, हाउ विल आई इवेल्युएट इफेक्टिव आई टी गवर्नेंस स्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिसेस. आराम से देखो मत वापस, तेरे याद आएगा. हाउ यू विल इवेल्युएट इफेक्टिव आई टी गवर्नेंस स्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिसेस, तुम कैसे इवेल्युएट करोगे मेरे अंदर आई टी गवर्नेंस स्ट्रक्चर इफेक्टिव है और प्रैक्टिस सही है. याद आएगा तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फिर मेरे अंदर का तोड़ लीडरशिप, फिर बाद में क्या देखूंगा मैं रिस्क, फिर क्या डालूंगा कंट्रोल, फिर क्या करूंगा बिजनेस प्रोसेस, एंड लास्ट पॉइंट मॉनिटर. याद आया ना गवर्नेंस रिस्क कंप्लायंस यही एरिया बताता है. गवर्नेंस रिस्क कंप्लायंस क्या बताता है, टू परफॉर्म आईटी गवर्नेंस यू रिक्वायर टू थिंग्स, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड लीडरशिप क्वालिटीज. टू एंश्योर रिस्क इज टेकन केयर ऑफ यू नीड टू असेस द रिस्क एंड इंप्लीमेंट कंट्रोल्स, एंड यू नीड टू फोकस ऑन कंप्लायंस, यू नीड टू अंडरस्टैंड मॉनिटरिंग ऑफ दोस कंट्रोल्स. यानी खाली एक पॉइंट इसमें से निकल जाता है, वो है प्रोसेस, पांच आ जाता है. और इसमें एक और एक इंसर्ट किया हुआ है जो आपके लिए, यानी याद है यहां पर देखा, यहां पर पांच पॉइंट सेम लॉजिक है. गवर्नेंस तेरे को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लीडरशिप क्वालिटी, रिस्क दो पॉइंट रिस्क असेसमेंट कंट्रोल एक्टिविटीज, कंप्लायंस ओनली वन पॉइंट मॉनिटरिंग, और एक इसमें आ जाता है फ्रॉड रिस्क. कैन देयर बी अ फ्रॉड रिस्क, आंसर इज यस. एंड इफ यू आर अवेयर अबाउट फ्रॉड रिस्क तो ठीक है, नहीं है तो internal person may involve in fraud and that is to be evaluated by governance and risk compliance. So a fraud risk factor hai, ye 6 point udhar aa jata hai, yani it is copy paste question of this one. Mere khayal se answer yaad aaya hoga ye wala, ye answer aur wo answer same hai except usme aapko ek yahan se process word nikal jata hai aur udhar kya ho jata hai fraud risk. To auditor jo rahega idhar bhi wahi aur udhar bhi wahi, ha review internal auditor same hai, GRC bhi internal auditor dekhega. तो उधर खाली फ्रॉड रिस्क में इंटरनल ऑडिटर क्या करेगा, ही विल इंटरव्यू विद द एम्प्लॉइज टू इंटरैक्ट वेदर देयर इज एन फ्रॉड और समथिंग इन इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स इट. तो अब ये पॉइंट पे आप ध्यान रख लीजिए केजीपी और केएमपी ये वाले पॉइंट पे. ओके सर, विद रिस्पेक्ट टू दिस चैप्टर मैंने आपको जो येल्लो मार्क किया ये आप ध्यान रखिए. ओके फर्स्ट थिंग, सेकेंडली हैंड रिटन नोट से बाहर आप जाइए मत. आप जाओगे तो आपके लिए प्रॉब्लम करोगे, उसके बाद आप मेरे लिए भी प्रॉब्लम करोगे. मैं आपको ये समझा देता हूँ 101% लाइबिलिटी मेरी रखिए, उसके बाद कुछ भी होता है लाइबिलिटी मेरी. हाँ, अनलेस अंटिल यू आर नॉट रिप्रोड्यूसिंग एज ए कंटेंट ऑफ नोटबुक तो लाइबिलिटी भी फिर डिवाइड होगी. हाँ, लेकिन अगर तू पूरे नोटबुक का कंटेंट करता है तो लाइबिलिटी मेरी हो जाती है, ये पॉइंट ध्यान रखना. तीसरा, सर टेक्स्ट बुक पढ़ू क्या है, तुम्हारा कॉल है, तुम्हारे को मैंने बता दिया टाइम है, दूसरे सब्जेक्ट्स हो गए तो पढ़ा. लेकिन मैं आपको ये बता दूं टेक्स्ट बुक से याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, याद नहीं आता इजीली, रिकॉल नहीं होता, फैक्टर्स ऐसे नहीं है. और दूसरा कारण ये भी है कि मॉड्यूल टेक्स्ट बुक में ना आई हैव यूज्ड, मतलब मेरा जो ऑथर है ही हैज यूज्ड मेमोरी कोड्स. If you remember lobster fry, तो सारे आंसर के लिए एग्जाम्पल अपने अभी आपने ये आंसर किया याद आ रहा क्या, वट आर द की मैनेजमेंट प्रैक्टिस फॉर सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल. सबसे पहले मैंने क्या करना, स्कोप, स्कोप के बाद क्या करूंगा प्लान, प्लान के बाद क्या करूंगा एग्जीक्यूट, जो करने वाला बंदा इंडिपेंडेंट. उसके बाद दो चीज करूंगा, रिव्यू बिजनेस प्रोसेस, मॉनिटर इंटरनल कंट्रोल, ये याद आया. उसके बाद मैं खुद करूंगा, साइन करूंगा कंट्रोल सेल्फ असेसमेंट, एंड लास्ट पॉइंट मैंने क्या रिपोर्ट करना डेफिशिएंसी. याद रहा ना आंसर, ओके मेमोरी कोड के चक्कर में आंसर का सीक्वेंस बदला हुआ है. रिगार्डिंग इट, तो टेक्स्ट बुक में आपको ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा इन अवर टेक्स्ट बुक. हाँ, यू कैन जस्ट चेक टेक्स्ट बुक टू मेंटेन, मतलब मॉनिटर द कंटेंट, दैट्स इट. उससे ज्यादा आप इश्यूज मत करो, क्योंकि सीक्वेंस है ना अपना, सीक्वेंस अपना कॉन्सेप्ट सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस रटने वाला सीक्वेंस है. तेरे को अगर कोई आंसर ऐसा लगता है, एंड दो मिनट लगेगा रे, तू वापस इसी कॉन्सेप्ट को याद रख, फ्लो कर, वापस याद आ जाएगा, ये पॉइंट ध्यान रख. ओके, दो तीन चीजें तेरे को जो टेस्ट बुक से देखनी रहेगी. सबसे पहले जो मैंने बता दिया विद रिस्पेक्ट टू योर केजीपी, ओके केजीपी के लिए मैं एक मार्क कर देता हूं, तू देख ले. ओके ये होगा पेज, पेज से ज्यादा मैं पैरा बता रहा हूं, पैरा चैप्टर वन है ये, पैरा 4.8 एंड और एक रिस्क मैनेजमेंट का इसमें और एक रहेगा पैरा 8.6. ये दोनों आंसर ईडीएम है, आंसर कॉपी पेस्ट है, नो चेंज. ये तेरे को देखना रहेगा टेक्स्ट बुक से. दूसरा पॉइंट, ओके यू जस्ट चेक इट आउट वन क्वेश्चन, ओके दैट इज अगेन वेरी वेरी इजी फॉर आईटी टेक्नोलॉजीज. ओके ये अगेन यहां पर है, वेबसाइट होना चाहिए, इंटरनेट इंट्रानेट होना चाहिए, स्कैनर्स होने चाहिए,
बिजनेस के लिए ये चैप्टर टू में रहेगा. ओके पैरा 40 स्कैनर्स होने चाहिए. आईटी टेक्नोलॉजीज कौन से अवेलेबल है बिजनेस के लिए. ओके इंट्रानेट वेबसाइट चाहिए, इंट्रानेट चाहिए, इंटरनेट चाहिए. ओके डेटा माइनिंग यानी एक्सेल शीट. डेटा माइनिंग इज नथिंग बट एक्सेल शीट, सर्च द डेटा. ओके डेटा माइनिंग एक्सेल शीट चाहिए और इसके साथ में प्रिंटर्स चाहिए. ये आपके टेक्नोलॉजीज के आंसर है. तीसरा सिनेरियो इफ रिमेंबर. ओके मैंने बताया था आपको फिजिकल एंड लॉजिकल. फिजिकल एंड एनवायरमेंट कंट्रोल याद है ना ये दो. ओके ये है पैरा 15.2 चैप्टर 3 और एनवायरमेंट कंट्रोल में आपका है पैरा 16.2 चैप्टर 3. इसके अलावा बाकी सब कंटेंट आपके नोट्स में. स्क्रीन पे ध्यान दो एक बार. ओके सर ये और ये दोनों अपन ने बहुत बार डिस्कस किया. इफ रिमेंबर आग पानी प्रदूषण ऊर्जा घुसपैठ भूकंप कीड़े खुशी याद आया ना. ओके लॉक्स एंड डोर्स सीसीटीवी कैमरा वीडियो को वीडियो मतलब वीडियो में देखना चेक करना पेरीमीटर फेंसिंग. ओके इफ रिमेंबर वन कॉन्सेप्ट आई गिवन डेड मैन डोर्स याद है ना वो एक ही बंदा अंदर घुसेगा. ओके दैट इज योर फिजिकल माय पॉइंट. एनवायरमेंटल में फायर एक्सटिंग्विशर्स स्मोक डिटेक्टर्स ओके इमरजेंसी एग्जिट्स ये सब इसमें दिया होगा. ओके मॉक ड्रिल ये कौन सा कंट्रोल है. पीएसी का फुल फॉर्म फिजिकल एक्सेस कंट्रोल. इसी का फुल फॉर्म एनवायरमेंटल कंट्रोल्स. और एलएसी अपन कर चुके हैं ना लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल. 3D वाला इफ यू रिमेंबर अपने फायर वॉल. तेरा फोन आया मैंने कट किया वापस मैंने तेरे को कॉल किया कॉल बैक डिवाइसेस याद आया क्या. ये वो हो चुका है. बस ये चार चीजें आपको ध्यान रखनी है. सर इसमें कुछ पढ़ना है क्या. मेरे हिसाब से तो छोड़ा हुआ ही बेटर है. नहीं पढ़ा तो कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके चैप्टर 7th आईटी चैप्टर 7th में आईटी एक्ट में इफ यू नीड टू स्टडी यू कैन बट पर्सनली सजेस्ट दो एक ही ग्रुप दे रहा तो पढ़. ओके लेकिन अगर तेरा पॉइंट रहा भी तो तेरे लिए जो सेक्शन तेरे को देखने रहे इफ यू वांट टू फोकस ऑन यू कैन फोकस ऑन सर्टेन सेक्शन विच सेक्शन में इंक्लूड सेक्शन 5, 6, 7, 9, 14, 15, 16 ये 7 सेक्शन और एक पेनल्टीज वाले सेक्शन है. इसमें मल्टीपल सेक्शन है 65 और 66. ओके 5, 6, 7, 9, 14, 15, 16, 65, 66. पर्सनली डोंट वेस्ट टाइम इन रीडिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी थिंग्स. ओके परफॉर्मिंग ए स्मार्ट वर्क इज मोर इंपॉर्टेंट देन हार्ड वर्क. हार्ड वर्क वी हैव डन. द हार्ड वर्क का लॉजिक मीन्स व्हाट. ओके यू नीड टू कंप्लीट एवरीथिंग. हर चीज खत्म कर चुका है ये पॉइंट ध्यान रख. सर मैं वापस पढ़ने कैसे बैठूं. ओके सबसे पहला तो मैं ऑलमोस्ट मैं एक 15 दिन में मैं अपडेट कर लूंगा मैं वापस नए एक्शन के साथ में. वो तब तक तू पुराना वीडियो डाउनलोड कर ले ये वीक में. ओके वो एक बार वापस रिवाइज कर ले. ओके रिवाइज करने के बाद ओके हाउ यू एलोकेट द टाइम इज अ मैटर ऑफ कंसर्न. नाउ इफ यू आर प्रायोरिटी इज दैट यू आर कंप्लीटिंग दिस थिंग इन डिसंबर इटसेल्फ तो भाई वीडियो देखने के बाद इमीडिएटली चालू कर द सीक्वेंस विच यू हैव स्टार्टेड. छोटे चैप्टर सबसे पहले खत्म कर. खाली फर्क इतना होगा चैप्टर 7 चैप्टर 1 मैंने लास्ट में किया है वो आप पहले करना. ओके दो चैप्टर को लास्ट में रखना. दो चैप्टर लास्ट में कौन से रहने चाहिए. चैप्टर 5 एंड चैप्टर 3 ये दो कॉन्सेप्ट अलग वो पहले 6 चैप्टर अलग. ओके ये 6 चैप्टर तेरे को ध्यान रखना है. तेरा प्रोडक्ट खाली देख रिविजन में मैं जाऊंगा जो सीक्वेंस अपना क्लास का है सेम लॉजिक है तो ऊपर नीचे हो सकता है वो पहला पॉइंट. लेकिन मैं अपने क्लास में चैप्टर 7 चैप्टर 1 थोड़ा एडजस्टिंग पॉइंट की वजह से हुआ लेकिन तेरा लॉजिक वही रहेगा. ओके चैप्टर 7 चैप्टर 1 पहले आ जाएगा चैप्टर 5 चैप्टर 3 लास्ट में रहेगा पहला सेट. दूसरा चाहे जब पढ़ेगा चैप्टर 5 चैप्टर 5 में डिवाइड एंड रूल. ओके एसजीएलसी के स्टेजेस बताए एक बार में रीडिंग में आपने पढ़ना पूरा दूसरी बार में मैंने स्किप करने बोले हुए कुछ वो आप उड़ा देना. एग्जांपल स्टेज 2 इफ रिमेंबर सिस्टम डेवलपमेंट टूल्स मतलब 11-12 टूल्स से पंचायती थी यू कैन स्किप इट आउट यू ओनली रिमेंबर डेटा डिक्शनरी दैट्स इट. ओके तो ये सेकंड पार्ट जो आपको ध्यान रखना है. थर्ड एग्जाम के पहले सर कितनी बार पढ़ के होना चाहिए. पढ़ने के बाद बात करें नोट्स की बात करें तो ये तेरा 3 बार रिवाइड होना रीड होना चाहिए 3 बार के कंटेंट में. ओके लेकिन ये कंटेंट रीड करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स वीडियो बार बार देख लिया तो काम अपने आप होगा उतना आसानी से होगा. ओके तो मेक इट श्योर व्हाट यू डू
राइट नाउ आइदर इन दिसंबर और जनवरी, जनवरी तक ये खत्म कर लो एक बार, एक बार ये हो गया उसके बाद ओके फरवरी में कुछ भी मत करो, तुम्हारा सब दूसरा सब्जेक्ट करो फरवरी में, लेकिन एक चीज ध्यान रखो वीडियो को बार बार जाओ, वीडियो से टच में मत रहो। मार्च वापस इनिशियल डेज में वापस इसका की बुक पढ़ लो ओके, और उसके बाद वापस एक आध घंटे का वीडियो आपको डालना है टाइम, जैसे आपका कॉन्फिडेंस लेवल आता है उसके हिसाब से आप मैनेज प्लस माइनस करो। एंड लास्ट पॉइंट, वापस अप्रैल में जैसे भी लास्ट 15 दिन डिवाइड करते हो, 15 दिन ग्रुप वन 15 दिन ग्रुप टू, आप कैलकुलेशन कैसे करते हो उसके हिसाब से 3 दिन में आपको इसका खत्म करना चाहिए ओके सर। तो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, कंटेंट फेसबुक लास्ट डे में मैंने बता दिया, फेसबुक लाइव रहेगा और इवन यूट्यूब लाइव रहेगा, तो यानी आपको जो भी रहेगा जिसमें जाओगे सर्च मारोगे मेरा तो अपने आप आ जाएगा, अगर मैं नहीं ढूंढ रहा हूँ तो उसमें मतलब मेरा ऑलरेडी आईडीज खत्म हो चुका है और 3-4 ID बना चुका हूँ, मैं मैनेज करते करते बोर हो गया, मैं नया बनाने वाला नहीं हूँ मैं, तो उसमें आप फॉलो कर लो, उसके बाद अपने को अपने आप आपका वो नोटिफिकेशन आ जाएगा मैं लाइव जाने वाला हूँ ये पॉइंट पे। कॉस्टिंग के दिन शाम को 6 से लेकर 6:30 से लेकर 9:30 तक अपना कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता और वही लॉजिक रख लेने का, ये पॉइंट पे अपना काम खत्म हो जाता। और उसके अलावा मैं आपको नंबर दे चुका हूँ 9869784078, आप मेरे को कभी भी कॉल कर लीजिए, जो भी पॉइंट रहा आप अपडेट कर दीजिए, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। किसी को टेस्ट सीरीज का पॉइंट है तो टेस्ट सीरीज का आप मेरे को समथिंग अराउंड मार्च में फोन कर दो, मैं मार्च में आपको ईमेल कर दूंगा टेस्ट सीरीज ओके, मेरे को आपका रिसीट नंबर और ये सब बता देना, मैं आपको ईमेल कर दूंगा, ईमेल करके आपको अपडेट कर दूंगा, तो आपको ईमेल कर दूंगा और उसके बाद आप सॉल्व करके मेरे को स्कैन करके भेज दो, मैं आपको रिवाइड कर दूंगा। यूजुअली मैं मैक्सिमम टाइम अभी मुंबई में रहूंगा, पुणे में आने का मेरा फरवरी ही रहेगा, तो अगर आपको किसी को मिलना रहा तो फरवरी 2020 से लेकर फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक मैं रहूंगा पुणे में, बैच नहीं रहेगी बस आई एम जस्ट गोइंग अप डाउन, बस मेरे को मैनेज करने के लिए क्लास में वर्चुअल वर्चुअल इधर उधर देखने के लिए, तो आपको कोई पॉइंट रहा तो बता देना, मतलब एवरीडे क्लियर। तो जस्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ओके, दैट्स विथ रिस्पेक्ट टू योर एग्जामिनेशन, एक ही अटेम्प्ट शुड बी फाइनल अटेम्प्ट, दैट इज द ओनली ऑप्शन। मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ ओके, आई एम नॉट वरीड अबाउट द नंबर ऑफ अटेम्प्ट बिकॉज माई सेल्फ आई टुक 5 अटेम्प्ट्स, यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट दैट पॉइंट ओके। मैंने आपको बताया भी फेल हुआ तो होप्स हारने वाला कॉन्सेप्ट है नहीं, हरा हुआ इंसान ही वापस लड़ता है, ये कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप ये याद रखना कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ना जिंदगी चली जाती है, सेकंड अटेम्प्ट के बाद वापस वो ताकत नहीं आती है ओके। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप जितनी जान लगा के पढ़ सकते हो उतनी जान लगा दो, साला उसके बाद में सोचो मत ओके। टाइम कम मिल रहा है, जैसा भी मिल रहा है नींद हराम करो, आपको मैंने बताया भी मेरा भी, और मैंने कहीं पर भी मजाक नहीं किया, आई स्वेयर मैंने ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि मैंने बोल वचन दिया हुआ, ये मेरी लाइफ के साथ इंसिडेंट है, आप पापा से बात कर सकते, पापा को मालूम है मैं रात को 3 बजे उठता था, मतलब 3 बजे उठता था, एक भी दिन मेरा आगे पीछे नहीं होना, मतलब नहीं होना, 2 महीना डिटर्मिनेशन मतलब थी था। और यही पॉइंट आपने ध्यान रखना है भाई ओके, गिव योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, गिव योर मतलब गिव द कंप्लीट एस्पेक्ट्स इन योर लाइफ फॉर दिस अटेम्प्ट एंड मेक इट श्योर दिस अटेम्प्ट इज द लास्ट अटेम्प्ट, व्हाट एवर हैपेंस इट इज द नेक्स्ट इशू ओके। लेकिन साला एग्जाम देने तक अपने हाथ में है ना यार, तो एग्जाम देने तक ध्यान रखो। एंड आई मेंशन ड्यूरिंग वन सेशन ओके, व्हाट एवर रितिका डज इन माई लाइफ राइट नाउ ओके, इट मेक मी हैप्पी रेदर देन मेकिंग हर हैप्पी। कोई कुछ रितिका के बारे में बोलता है तो आप, मैं आपको बता नहीं सकता मेरे अंदर क्या तोड़ खुशी होती है, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मैं 7वें आसमान में होता हूँ। आप इमेजिन करो आपके बारे में कुछ अपडेट हुआ तो आपके पेरेंट्स का क्या सीन रहता होगा। मेरी तो पंटर बहुत छोटी है रे, उसका कितना होगा एनवायरनमेंट, उसका बहुत छोटा एनवायरनमेंट है, वो 40 में 1 है स्कूल में, इफ रिमेंबर मैंने बताया था तोड़ वोड़ भी बड़बड़ करती, मतलब 1-2 दिन जय जयकार। ये जब उसने बोला मेरे लिए जो हैप्पीनेस था यू कांट इमेजिन, प्रिंसिपल के लिए वो वर्स्ट पार्ट था, प्रिंसिपल के लिए, लेकिन मेरे लिए थोड़ा था कि मेरी बेटी है, कंफर्म था ना। सेम लॉजिक इमेजिन करो, 40 में 1 नोटिस्ड है स्कूल में, आप इमेजिन करो आप 40,000 में से ही करोगे, तो द फीलिंग विथ योर डैड एंड इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि अपने पापा मम्मी का कर्ज चुका सकोगे, मैं भी नहीं चुका सकता, तो कोई किसी की ताकत ही नहीं है वो। बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, द डे ऑफ रिजल्ट्स विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट एटलीस्ट तुमने उनके लिए कुछ किया उस दिन। आपने पापा मम्मी को रोते हुए बहुत बार देखा होगा ओके, मतलब आई डोंट नो हाउ टाइम दे हैव स्पेंड, हर जन का अपना अपना टाइम का सिनेरियो है, लेकिन उस दिन रियल पॉइंट आप देख सकते हो, जो रोगे ना वो रोने का जो पॉइंट रहेगा ना वो खुशी का रोना रहेगा, एंड दैट विल बी अ बिग डील फॉर यू, बिग डील मतलब बिग डे ऑफ यू। मेक श्योर यू बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बट डोंट कॉम्प्रोमाइज एट ए गुड ह्यूमन बींग। आई वुड ऑलवेज सजेस्ट एनी स्टूडेंट बिकम ए गुड ह्यूमन बींग रेदर देन बिकमिंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। Chartered accountant second priority hai, becoming a good human being should be your first priority and that should be always taken care. So from my point of view at any time main aapko bata diya main available hu okay, kuch bhi raha to aap bataiye, matlab not as a faculty also as a elder brother, main aapka bada bhai hu aap ye samajh lijiye jitna bhi point raha okay, and from bottom of my heart okay, matlab bahut sare upar niche aapko troubles kiye hai uske liye sorry boss,
And thank you for giving me an knowledge, matlab, thank you for giving me a knowledge or mainly a part to impart a knowledge in you. Matlab, you allowed me to change your system, that's it. And that was the biggest part at my end. So thanks a lot, dudes. And all the best, do well. Okay, and God bless you, dudes. Take care, man. Okay.